हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 5.2 देखेंगे हम लोग, है ना। अरे क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में समझेंगे। यहाँ पे भी हम लोग को कह रहा है हम लोग का यहाँ पे कि निम्नलिखित सारणी में जो है, हम लोग को सारणी यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा रिक्त स्थानों को भरना है। जहाँ पे एपी का प्रथम पद यानी पहला पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, सर्वांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और एनवा पद और एन हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोग का मान निकालना है। यहाँ पे देखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन दिया है, ए का मान 7, डी का मान 3 और एन का मान 8 और एन का मान निकालना है। सेकंड में हम लोग का ए का मान दिया है, डी का मान नहीं दिया है, एन का मान दिया है और एन का मान 0 दिया है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अलग अलग निकालेंगे, बिना बनाए हुए हम लोग डायरेक्ट भर नहीं सकते, इसलिए हम लोग बना के इसमें भरेंगे। समझ में आ रहा है। आइए हम लोग देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों देखिए, जो जैसे पूछा है वैसे ही हम लोग देंगे। यहाँ पर हम लोग फार्मूला देखेंगे और फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। फार्मूला देखेंगे और फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे, समझिएगा। यहाँ पे हम लोग का ए एन इक्वल टू हम लोग का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। दोस्तों 5.1 हम एकदम सिंपल वे में बनाए हैं, एक बार जाके ER अमृत स्टडी सेंटर पर जाके देख सकते हैं। बहुत एकदम सिंपल में हम बनाए हैं इसको। देखिए यहाँ पर इतना हम लोग को दिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर ई का मान हम लोग का दिया है 7, एन का मान हम लोग का 8 दिया है और डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। सिंपली उसको मान रखेंगे, ए बराबर 7 है तो 7 प्लस एन का मान देखिए कितना दिया है, 8 माइनस का 1 इंटू डी का मान देखिए कितना है, 3, तो 3 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आप प्लस इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, यहाँ पर गुना 3 है ना, यानी 7 प्लस 7 तरीका 21, तो 21 7 कितना हो जाएगा, 21 7 28। यानी हम लोग का आंसर जो है फर्स्ट नंबर का 28 आंसर आ गया है। यानी ए एन का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पे कितना, 28 एक नंबर में। फिर दो नंबर में हम लोग का दोस्तों क्वेश्चन दे रहा है, दो नंबर को हम लोग देखते हैं, दो नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ए का मान माइनस का 18, डी का मान पूछा है, डी का मान वाट और एन का मान 10 दिया है और एन का मान 0 दिया है। फिर हम लोग फार्मूला रखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एक ए एन का मान हम लोग का 0, ए का मान हम लोग का माइनस का 18, एन का मान हम लोग का 10 दिया हुआ है, माइनस का 1 इंटू डी का मान निकालना है, तो डी बराबर वैसे ही रहने देंगे। अब डी बराबर यहाँ पर निकालेंगे, समझिएगा। ए एन बराबर देखिए, ए का मान इधर माइनस का इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18 बराबर, ये 10 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से घटाएंगे तो 9 डी हो जाएगा। अब इसको सीधा करते हैं समझने के लिए, इधर 9 डी लिख दिए हैं और इधर 18 लिख दे रहे हैं। अब डी बराबर हो जाएगा हम लोग का 18/9, यानी 9 दुना कितना हो जाएगा, 18, यानी डी बराबर कितना हो गया, 2, यानी डी का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब डी का मान 2 आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग का इतना डी का मान आ गया यहाँ पे, तो डी वहाँ पे हम लोग भर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तीन नंबर। फिर हम लोग का दोस्तों यहाँ पे ए का मान वाट कर दिया है, तीन नंबर में ए का मान वाट कर दिया है, मैंने ए का मान पूछ रहा है हम लोग का, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है और एन का मान दिया है। तो फार्मूला रख देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का मान हम लोग का कितना दिया है, माइनस का 5, ए का मान पूछा है वैसे ही रहने देंगे, एन का मान हम लोग देखिए 18 दिया है तो 18 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, माइनस का 3 दिया है, तो माइनस का 3 रख देंगे। अब माइनस का 5 बराबर ए प्लस, इसको देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 18 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17, और ये माइनस का कितना दिया है, 3 दिया है, तो गुना कर देंगे। यानी माइनस का 5 बराबर ए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और 17 दिया 51, यानी माइनस का 5 इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 51 बराबर ए। यानी ए बराबर हम लोग को 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से 5 घटा देंगे तो इसमें से एक ये और उधर 4, यानी हम लोग का 46, 46 5 41, 46 5 51, यानी ए का मान हम लोग का कितना हो गया, 46 हो गया, ए का मान हम लोग का दोस्तों 46 आ गया। तो आप लोग को, हमको आशा है दोस्तों कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें का चार नंबर क्वेश्चंस देखते हैं, चार नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों, चार नंबर क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे। फिर हम लोग का यहाँ पे चार नंबर क्वेश्चंस कह रहा है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पे हम लोग का एन का मान पूछ रहा है, ठीक है, एन का मान ये सब दिया है, तो ए एन बराबर हम लोग लिखेंगे फिर ए एन, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान हम लोग का दिया है कितना, 36, तो 36 लिख देंगे। ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान हम लोग का माइनस का 18.9, और प्लस एन बराबर एन का मान नहीं दिया है, और डी का मान हम लोग कितना दिया है, 25, तो 25 रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, माइनस का है ना, तो इधर लाएंगे तो 25 प्लस का हो जाएगा, यानी 36 इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18.9, और इसको एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर उतना ही रहने देंगे। अब इसको जोड़ेंगे
तो जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 36 है ना, सॉरी दो मिनट दोस्तों, यहाँ पे 3.6 दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3.6 दिया हुआ है, 3.6, ठीक है, 3.6 दिया हुआ है, यहाँ पे 18.9 है, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम लोग का 9, यहाँ पे हम लोग का 2.5 दिया हुआ है, 2.5, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों 22.5 हो जाएगा, 22.5, और इक्वल करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा इक्वल हम लोग का n माइनस का 1 × 2.5 दिया हुआ है, अभी गुणा में है ना तो इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 22.5 / 2.5 इक्वल टू n माइनस का 1 हो जाएगा। अब समझिएगा ये पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 10, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 25 से घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 25 × 125 होता है, यानी 25 × 225, यानी n बराबर n प्लस 9 हो गया, यहाँ पे 9 n माइनस 1, माइनस को इधर लाएंगे तो 9 आ प्लस का 1 बराबर n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी n का मान कितना रहा है 10, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, n का मान कितना आ गया 10। अब हम लोग का इसी में का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 4 नंबर, अब 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है, लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, 5 नंबर का है ना, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 3.5 दिया हुआ है ना, a बराबर 3.5 दिया हुआ है, a बराबर 3.5 है ना, d बराबर हम लोग का 0 दिया हुआ है, n बराबर 105 और an बराबर हम लोग का दिया हुआ है कितना, n बराबर पूछ रहा है वाट, n बराबर वाट, n का मान पूछ रहा है, तो फिर सिंपल है एकदम, ये भी सिंपल है, हम लोग बना लेंगे उसी तरह, सिंपली हम लोग फार्मूला रखेंगे, बस एक फार्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब देखिएगा an बराबर हम लोग का दिया हुआ है ना, नहीं दिया है, an बराबर a का मान कितना दिया है तो 3.5 प्लस n बराबर कितना दिया है 105 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 0, तो an बराबर 3.5 और ये पूरा का पूरा, इसमें घटाने जोड़ना की क्या जरूरत है, ये गुणा में है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी an का मान हम लोग का कितना रहा है 3.5 आ गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो हर एक चीज़ को हम लोग एकदम सिंपल वे में बना लेंगे, दिक्कत भी नहीं होगा। 2 नंबर इसी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, एकदम सिंपल वे में, इसको भी देखिए 2 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए फिर हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए, यानी इसका जो है ए पी बराबर 1 नंबर के 10, 3, 4 का 30वां पद हम लोग को निकालना है, ठीक है, 30वां पद निकालना है इसके, इसमें का हम लोग का कौन सा होगा, ठीक है, एकदम सिंपल वे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे बन रहा है। एपी हम लोग का 10, 7, 4 ऐसे करके दिया है, देखिए यहाँ पे जो है 30वां पद दे रहा है ना, यानी एन का मान दिया है हम लोग का, कितना एन का मान दिया है, 30वां पद ज्ञात करना है, यानी एन का मान हम लोग को एन का मान देखना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हम लोग समझेंगे कि क्या क्या दिया है, यानी 30वां पद लिखा है ना, यानी ये एन का मान दिया है, ये 30 पद दिया है, एन का मान दिया है। सबसे पहले ए बराबर ए वन का पहला पद निकालेंगे, ए वन बराबर हम लोग का 10 दिया है, आ ए टू बराबर हम लोग का कितना दिया है 7 दिया है, डी निकालेंगे, डी हम लोग का कितना होगा, आ एन बराबर हम लोग का कितना दे दिया है, एन बराबर हम लोग का 30 ऑलरेडी दे दिया हुआ है, हम लोग को डी निकालेंगे, डी का मान क्या निकालेंगे, तो डी बराबर हम लोग जानते हैं कि ए टू में से ए वन घटाते हैं, दूसरा पद में से पहला पद, यानी 7 में से यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, माइनस यहाँ पे प्लस का 10, यानी 7 प्लस माइनस माइनस का 10, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, डी का मान, डी का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3, तो डी का मान हम लोग का माइनस का 3 आ जाएगा, एन बराबर दे ही दिया है हम लोग का, किसका मान निकालना है तो ए एन का मान निकालना है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए का मान हम लोग का कितना दिया है 10, प्लस एन बराबर कितना दिया है, तो एन बराबर देखिए हम लोग का 30 दिया है, माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, माइनस का 3 दिया है, तो 10 + 29 में से 3 घटा देंगे, यानी 10 + 29 में से 3 से गुना करिए, 29 में 3 से, तो 29 में 3 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 3 = 27 के साथ, 9 × 3 = 27 हासिल, 2 × 3 = 6 = 7 = 8, यानी माइनस का, यानी 10 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 87 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 77 हम लोग का डी का माना जाएगा, जिसके ऑप्शन नंबर हम लोग का बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी दिया है, माइनस का दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग का इसी का 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए पी माइनस का 3 फिर माइनस का 1/2 और 2
का 11वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, 11वां पद है ना, 11वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले A1 हम लोग देख लेंगे। तो A1 बराबर 3 दिया है, हल में चलेंगे हम लोग है ना, A1 बराबर 3 दिया है, और A2 बराबर हम लोग का माइनस का 1/2 दिया है। D निकाल लेंगे, D देखेंगे, D बराबर क्या है, A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 यानी माइनस का 1/2 या माइनस का 3, यानी माइनस का 1/2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3/1। एलसीएम लेंगे तो 2, तो 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, 1 दूना 2, तो 3 दूना 6, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2, यानी डी का मान हम लोग का आ गया 5/2 आ गया। डी का मान कितना आ गया, 5/2। जैसे ही 5/2 हम लोग का डी का मान आया है, डी का मान जैसे ही हम लोग का 5/2 आया है, हम लोग को फॉर्मूला रख के देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग को किसका मान चाहिए, ए एन का मान चाहिए ना, तो ए एन बराबर, एन का मान हम लोग का दिया है कितना, 11 दिया है, एन का मान कितना दिया है, 11, एन का मान 11, डी का मान हम लोग का कितना दिया है, 5/11। अब लिख देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान हम लोग का कितना दिया है, माइनस का 3, प्लस एन बराबर कितना दिया है, तो एन बराबर 11 माइनस का 1 है ना, और डी का मान कितना दिया है, तो 5/2, यानी माइनस का 3 प्लस घटाएंगे तो 10 × 5/2, यानी 5 × 2 = 10, यानी माइनस का 3 और प्लस 5 × 5 = 25, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 तो दोस्तों यहाँ पे ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे इसको तरीका हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि एक क्वेश्चन भी इसमें के इसमें का एक भी क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत नहीं करेगा है ना, हर एक क्वेश्चन एकदम सिंपल वे में आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए है ना। यहाँ पे हम लोग को एक यहाँ पे जितना भी बॉक्स है, इस बॉक्स में मान इसका निकालना है। आज हम एकदम एक अलग मेथड बढ़िया से समझेंगे कि इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को बनाने में, हर एक क्वेश्चन आप लोग एकदम सिंपल वे में बना सकते हैं। ठीक है, देखिए एक नंबर कह रहा है कि 2 है दे दिया है, दूसरा पद निकालना है हम लोग को, 1 दे दिया है यहाँ पे। आइए हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये वाला बॉक्स का मान निकालना है ना, यहाँ पे बॉक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग को पहला पद दे दिया है, पहला पद कितना दे दिया है, यानी A1 बराबर, यानी पहला पद हम लोग का कितना दे दिया है, 2, प्लस इसमें देखिए पद कितना है, तो 1, 2, 3, 3 को है ना, यानी n का मान हम लोग का कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, n का मान हम लोग का 3 दे दिया है। और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे कि इसको टोटल मान लेंगे कि टोटल कितना है, यानी an का मान मान लेंगे, an बराबर हम लोग मान लेंगे कि 26 है, an हम लोग का अंतिम मान लेंगे, an का मान 26 है। और हम लोग को कितना निकालना है, तो पहला पद यहाँ, दूसरा पद हम लोग को निकालना है, दूसरा पद। तो सिंपली हम लोग एक फार्मूला भी पढ़े हैं, हम लोग यहाँ पे फार्मूला एक हम लोग पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला, कि an बराबर होता क्या है हम लोग का, an का फार्मूला, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब हम लोग ए एन बराबर हम लोग क्या करेंगे, 26 लिख देंगे, 26, ए का मान देखिए, ए एन का मान कितना दिया है, 2, प्लस एन का मान तो हमको पता ही नहीं है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान हमारा पता है ना, 3 है, एन का मान 3 है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, इसको छोड़िए बढ़िया सब लिखते हैं, 26 बराबर 2 प्लस एन बराबर 3 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान हम लोग को कुछ दिया है, तो डी का मान हम लोग को नहीं दिया है, सबसे पहले हम लोग डी निकाल देंगे, डी तो यहाँ पे देखिएगा 26 है, तो 26 इसको क्या करेंगे, 2 को खींच के इधर लाएंगे, तो ये बराबर के इधर है, तो यहाँ पे प्लस का है, प्लस का 2, इधर खींचेंगे तो कहता है माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और डी से गुणा करेंगे तो 2d हो जाएगा, तो इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 बराबर 2d, इसको सीधा करते हैं, ठीक है, 24 बराबर 2d, इसको सीधा करते हैं, यानी 2d बराबर कितना हो जाएगा, 24, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 24/2, यानी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी d बराबर कितना हो जाएगा, 12, d का मान कितना रहा हम लोग का, 12 आ गया, d का मान 12 आ गया। अब d का मान सिंपली हम लोग का 12। अब हम लोग को पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, यानी हम लोग इसका सर्वांतर निकाले हैं, तो d का मान 12 आ गया, हम लोग को दूसरा पद निकालना है ना, यानी a2 का मान निकालना है, तो लिखेंगे a2 बराबर है ना, a2 बराबर होता है a1 आ प्लस का क्या होता है d, तो a1 का मान कितना दिया है, तो 2, तो a1 का मान 2 लिख देंगे, और d का मान कितना दिया है, 12, बराबर कितना हो जाएगा, 14, यानी हमारा a2 का मान कितना हो गया, 14, यानी यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, इतना बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे कितना, 14 हम लोग का आंसर आया। समझ में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन को हम तब हम लोग सिंपल वे में समझेंगे कि कैसे ये सब क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे 13, ये फिर
बॉक्स है सिंपल और यहाँ पे थ्री है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है पहला पद और तीसरा पद, पहला पद ये दूसरा है, तीसरा चौथा, तो पहला पद और तीसरा पद निकालना है। आइए इसको भी देखते हैं हम लोग एकदम सिंपल वे में। सबसे पहले सिंपल वे में हम लोग इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक्स वन है, ये एक्स टू हो, मान लीजिए ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक अंक है और यहाँ पे हम लोग का एक्स टू है, इसको एक्स वन और इसको एक्स टू मान रहे हैं, सिंपल हम समझने के लिए केवल, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये इसको अभी छांट देते हैं, इसको अलग छांटते हैं, तो प्रयास करते हैं कि ये हम लोग का इतना ही तीन गो अंक दिया है, तीन गो अंक दिया है ना, तीन गो अंक से इसको भी निकाल सकते हैं। तो तीन गो अंक मान लीजिए हम लोग का दिया हुआ है। सबसे पहले ए वन का मान हम लोग का कितना दिया है, यानी पहला पद कितना दिया है, तो तेरह। टोटल पद कितना है, तो तीन है, यानी एन का मान हम लोग लिख देंगे तीन, एन का मान तीन, एक दो तीन को है तो तीन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ए एन का मान, यानी ए एन, यानी अभी हम लोग देखिए यहाँ पे ए एन का मान कितना लिखेंगे, तीन, ये वाला तीन, ये वाला तीन, समझ में आ रहा है, ये वाला तीन। जैसे यहाँ पे भी देखिए हम लोग लिखे थे क्या चीज, ए एन बराबर हम लोग क्या लिखे थे, छब्बीस लास्ट वाला, और एन बराबर लिखे थे एक दो तीन को है तो तीन लिख दिए थे, और ए बराबर पहला पद इतना लिख दिए थे, वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग का फिर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ए एन का मान हम लोग का कितना दिया है, तो थ्री, तो थ्री। ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान तेरह। अब प्लस एन, एन का मान कितना दिया है, तो तीन, माइनस का वन इंटू डी का मान कुछ नहीं है, तो डी का मान वैसे ही रख देंगे। फिर ये तेरह है, तीन है, तो तीन इसको खींच के इधर लाएंगे तेरह को, तो माइनस का कितना हो जाएगा तेरह, बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा टू डी, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का दस, बराबर टू डी, यानी इसको सीधा करते हैं तो टू डी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का दस, यानी दस बराबर कितना हो जाएगा माइनस का दस बटा दो, यानी कितना हो जाएगा पाँच, माइनस का पाँच, यानी डी बराबर कितना आ गया हम लोग का माइनस का पाँच, डी का मान कितना आ गया माइनस का पाँच। अब माइनस का पाँच आ गया डी का मान, अब हमको मान निकाला है कितना, ये तो यानी एक्स टू का मान निकाला है, तो लिखेंगे एक्स टू बराबर क्या होता है हम लोग का ए वन प्लस डी, ए वन प्लस का एक्स टू, ए वन प्लस का डी। तो ए वन हम लोग का देखिए ए वन कितना दिया है, तो ए वन का मान हम लोग का तेरह है, तो तेरह लिख देंगे, और डी का मान कितना है, तो डी का मान हम लोग का माइनस का पाँच है, तो लिखेंगे माइनस का पाँच। और फिर यहाँ पे तेरह प्लस माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा पाँच, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो सात पाँच बारह, सात हो जाएगा, यहाँ पे आठ पाँच तेरह, तो आठ हो जाएगा हम लोग का। एक्स टू का मान कितना हो गया आठ, एक्स टू का मान हम लोग का आठ हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग का एक्स वन का मान निकालना है, तो एक्स वन का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो इधर जाएंगे तो प्लस में करेंगे, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में करेंगे, कितना करेंगे माइनस में करेंगे, इधर जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस में, यानी एक्स वन का मान लिखेंगे, तो एक्स वन का मान क्या हो जाएगा, एक्स वन का मान ए वन है ना, आप ए वन माइनस का क्या करेंगे डी, माइनस का डी, ए वन माइनस का डी, ए वन कितना है हम लोग का, तो तेरह है माइनस, और डी का मान कितना है हम लोग का, तो डी का मान भी माइनस का पाँच आया है, माइनस का पाँच। अब सिंपली क्या करेंगे कि तेरह और प्लस माइनस प्लस का पाँच, यानी पंद्रह आया थी बारह तीन आया थी, यहाँ पे तेरह पाँच कितना हो जाएगा अठारह, यानी इसका मान एक्स वन का मान कितना हो जाएगा अठारह, एक्स वन का मान अठारह, और एक्स टू का मान कितना हो जाएगा, एक्स टू का मान कितना हो जाएगा आठ, एक्स टू का मान कितना हो जाएगा हम लोग का आठ, तो ये वाला आठ लिख देंगे और यहाँ पे अठारह लिख देंगे, ये आठ हो जाएगा हमारे यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा आठ, और यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा अठारह आ जाएगा। तो हम लोग एकदम देखिए यहाँ पे इधर बढ़ रहा है, तो देखिए बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो एकदम सिंपल हमें इसको भी बना दिए, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एकदम हम लोग सिंपल में बनाते जाएंगे कि दिक्कत नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन को। फिर हम लोग इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी हम लोग एकदम सिंपल वे में, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले देख लेना है कि इसमें ए वन कितना है, तो ए वन हम लोग का पाँच है, कितना संख्या है, तो एक दो तीन चार, चार को है ना, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा चार, सॉरी एन बराबर चार, एक दो तीन चार को है, तो एन बराबर चार हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतिम संख्या, यानी इसको मान लेंगे हम लोग ए एन बराबर कितना है, तो नौ पूर्णांक एक बटा दो, जिसको हम लोग लिखना चाहें तो कितना है, नौ दो अठारह एक उन्नीस, उन्नीस बटा क्या लिख देंगे दो लिख देंगे, यहाँ तक कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए आगे हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग निकालेंगे हम लोग सिंपल में, सबसे पहले यहीं पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे ए एन का मान निकालेंगे, तो ए एन बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का मान हम लोग का उन्नीस बटा दो, बराबर ए का मान कितना है, तो पाँच, प्लस एन, एन का मान कितना है, तो चार, माइनस का एक इंटू डी का मान कितना है हम लोग का, डी का मान दिया ही नहीं है, तो डी का मान हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग डी निकाल देंगे तो हर एक चीज़ हम लोग का एकदम सिंपल हो जाएगा, तो उन्नीस बटा दो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का पाँच हो जाएगा, बराबर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तीन डी, बटा में कुछ नहीं तो एक लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, उन्नीस बटा दो हो गया
अब माइनस का 5/1 है, अब बराबर कितना है 3D है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 2 तो 19 × 19 माइनस 1 × 2 तो 5 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 3D, घटाएंगे तो 9/2 आएगा बराबर 3D। इसको सीधा करते हैं, 3D इधर लाते हैं, 3D इधर लाते हैं, है ना, और इसको क्या करेंगे 3D इधर लाते हैं, इसको 9/2 लिखते हैं 9/2। अब देखिए डी बराबर 9/2, आइए देखिए गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में कर देंगे, 3 × 9 यानी डी का मान हम लोग का कितना आ गया 3/2, 3/2 आ गया डी का मान, डी का मान हम लोग का कितना आ गया 3/2। अब समझिएगा यहाँ पे डी का मान हम लोग का 3/2 आ गया, जब 3/2 डी का मान आ गया तो हम लोग इसको देखिए, इसको हम लोग क्या मानेंगे A1, इसको मानेंगे हम लोग A2, इसको मानेंगे हम लोग A3, क्योंकि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, अब हम लोग को कितना लाना है तो दूसरा पद लाना है, तो लिखेंगे A2 बराबर है ना, A2 बराबर हमको लिखना होगा, तो A2 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो A2 बराबर हम लोग का आ जाएगा कितने क्या चीज़, तो A2 बराबर A1 प्लस का डी, A1 का मान कितना है हम लोग का, तो A1 का मान 5 है और D का मान कितना है तो 3/2 है, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे 2, 5 × 10 प्लस का 3 यानी कितना हो जाएगा 13/2। अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो देखिए भाग दे दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, देखिए 6 × 12 एक आ जाएगा, एक पाई पार दीजिएगा, 3 एक ऊपर लिख दीजिएगा 2 नीचे लिख दीजिएगा, यानी 6 × 1/2 हो जाएगा A2 का मान। A3 का मान कितना हो जाएगा, तो फिर लिखेंगे हम लोग कितना, तो A2 प्लस का D, A2 का मान कितना आया है तो 13/2 लिखेंगे, पूर्णांक में नहीं लिखेंगे 13/2 लिख देंगे, और D का मान कितना आया है तो D का मान हम लोग आया है 3/2, तो लिख देंगे 3/2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 2 तो 13 × 13, 2 × 2 तो फिर 3 × 3, तो कितना हो जाएगा 19/2। अब इसको भी तोड़ेंगे तो भाग लगा दीजिएगा, है ना, तो हम लोग का आ जाएगा 9 × 18, तो 9 × 1/2 आ जाएगा, 13 × 3 16 हो जाएगा ना, 13 × 3 16/2 यानी कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना 8, यानी हम लोग का A2 का माना गया, हम लोग का कितना A2 का माना गया 6 × 1/2 और A3 का माना गया कितना 8 आ गया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो एकदम हर एक चीज़ को हम लोग एकदम सिंपल वे में, इसको A3 लिख दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम सिंपल वे में बनाते जाएंगे कि दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया है ये वाला, समझ में आया है ना, एकदम बढ़िया से आप लोग को ये सब समझाने का प्रयास किए हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अब हम लोग का यहाँ पे कितना नंबर है, अब हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे माइनस का 4 दिया है, ब्रैकेट 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 और 6 दे दिया है, सिंपल हम लोग को बस दिमाग ही नहीं लगाना है, एकदम सिंपल सा दिमाग बस यही एक लगाना है हल्का सा, कि इसको A1 मान लेंगे, इसको A1 मान लिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 वो है, n बराबर कितना मान लेंगे 6 मान लेंगे, आ an बराबर यानी डी an बराबर मान लेंगे कितना an बराबर 6 मान लेंगे, n बराबर 6 मान के उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे t निकाल के d निकाल के उसके बाद मान पुट कर देंगे, समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा सिंपल क्वेश्चन, एकदम ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से समझिएगा कि दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग फिर देखते हैं इसको क्वेश्चंस को, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एकदम सिंपल हम लोग बता दिए हैं आप लोगों को कि an बराबर यानी पहला पद हम लोग ले लेंगे कितना माइनस का 4, फिर हम लोग देख लेंगे कितना पद है यानी 1 2 3 4 5 6 यानी n बराबर 6 गो पद है, n बराबर 6 गो पद है, टोटल कितना संख्या है 6 गो पद है, प्लस an यानी हम लोग an का मान लेंगे यहाँ पे, an इक्वल टू क्या मान लेंगे, मान क्या लेंगे यहाँ पे है हम लोग का 6 है तो 6 लिख देंगे। अब इसको हम सिंपल सॉल्व कर देंगे, ठीक है, अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर देंगे, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान an का मान कितना है तो an का मान 6 है, a का मान कितना है तो माइनस का 4 है, प्लस n का मान कितना है तो n का मान 6 है माइनस का 1 इंटू डी का मान कुछ दिया है नहीं दिया है, रख देंगे ऐसे ही। अब देखिए 6 हो गया, ये प्लस माइनस का है तो इधर लिखे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा 5D, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बराबर 5D यानी 5D बराबर कितना हो जाएगा 10 यानी D बराबर 10/5 कितना हो जाएगा 5 यानी 5 × 10 डी का मान कितना आ गया 2 आ गया, डी का मान कितना आ गया हम लोग का 2 का आ गया। अब डी का मान जैसे ही हम लोग का 2 आया है, अब हम लोग करेंगे क्या कि सिंपली यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे देखिए A1 का मान तो हो गया, ये हम लोग को चाहिए A2,
ये हम लोग का कितना हो जाएगा ए थ्री, ये हो जाएगा हम लोग का ए फोर, ये कितना हो जाएगा ए फाइव हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग यहीं पे आप लोगों को समझा देते हैं, यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो ए टू निकालना है। तो ए टू बराबर निकालना होगा, तो ए वन आप प्लस का क्या मान लेंगे डी। तो ए वन कितना है, तो ए वन हम लोग का कितना है, तो ए वन का माइनस का चार है। और ए टू कितना आया है हम लोग का, तो ए टू डी कितना आया है, तो डी का मान हम लोग का दो है, तो डी का मान दो है, तो दो लिख देंगे। यानी देखिए, चार बड़ा है कि दो बड़ा है, तो चार बड़ा है, तो चार का चिन्ह लगा देंगे माइनस, और चार में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दो। यानी ए टू का मान हम लोग का कितना आ गया, माइनस का दो। फिर लिखेंगे ए थ्री, ए थ्री यानी हम लोग का आ गया ए थ्री, यानी ए टू आप प्लस का कितना हो जाएगा डी। यानी ए टू, ए टू का मान समझिए, ए टू का मान हम लोग का क्या दिया है, तो ए टू का मान हम लोग का दे दिया है माइनस का दो, आप प्लस का कितना आ गया, यहाँ पे डी का मान कितना है, डी का मान हम लोग का दो है, तो लिख देंगे। अब दो में से दो चला जाएगा तो कितना हो जाएगा जीरो। यानी ए थ्री का मान हम लोग का कितना आ गया, जीरो आ गया। ए थ्री का मान हम लोग का जीरो आ गया। फिर हम लोग करेंगे क्या कि ए फोर निकालना है, तो ए फोर, ए फोर ये वाला पद निकालना है, ये वाला पद, ये वाला पद, इसका पद निकालना है ए फोर। तो ए फोर का पद निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर, ए थ्री प्लस का डी। तो ए थ्री का मान हम लोग का जीरो, और डी का मान कितना आया है दो, यानी हम लोग का कितना आ जाएगा दो हो जाएगा, ए फोर का मान, ए फोर का मान दो आ जाएगा। फिर हम लोग का ए फाइव भी निकाला है ना, ए फाइव भी निकाला है, तो ये यहाँ पे भी निकाल लेते हैं हम लोग ए फाइव। यानी ए फाइव का बराबर कितना हो जाएगा, ए फोर आ प्लस का डी। ए फोर, ए फोर कितना है, तो हम लोग का ए फोर टू है, आ प्लस डी का मान कितना आया है, फिर हम लोग का दो आया है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा चार। यानी अब हम लोग सिंपली अगर इसको भरना चाहते हैं तो हम लोग भर देंगे, या हम लोग को एग्जाम में जब आएगा ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अलग जगह में, है ना। ए टू बराबर माइनस का टू, है ना, ए टू, उसके बाद हम लोग ए फोर, ए थ्री, ए थ्री हम लोग का कितना आया है, तो जीरो। फिर ए फोर कितना आया है, तो ए फोर हम लोग का आया है टू। और फिर ए फाइव कितना है, तो ए फाइव फोर आया है, तो इसको हम लोग लिख देंगे एक जगह, है ना। तो एकदम सिंपल वे में समझ में आ गया होगा आप लोग को, आ गया होगा ना। तो ऐसे ही से क्वेश्चन जो है हम लोग को एकदम इतना सिंपल वे में बना लेंगे दोस्तों, कि कभी भी आप लोग को दिक्कत ही नहीं होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। बहुत सारे स्टूडेंट को इसको बहुत, इसको बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता होगा, है ना। बस इसको हम लोग ए वन मान लिए, कितना है, कई गो संख्या है, तो एक दो तीन चार पाँच छः गो, छः गो है, तो एन बराबर छः लिख दिए। अंतिम संख्या हम लोग का ए एन है, तो ए एन बराबर कितना लिख दिए, छः लिख दिए। बस इसको सिंपली हम लोग बना लेंगे। फिर हम लोग का इसका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, इसका लास्ट क्वेश्चन, यानी हम लोग का पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आइए देखते हैं इसको भी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसको इग्नोर करेंगे और इसको मान लेंगे। सबसे पहले इसको मान उनके, उसके बाद बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि x1 है ये, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे x3, इसको मान लेंगे x4। यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, x2 x3 इस तरह करके मान लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग का यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समझ में आ रहा है। इसको अभी इग्नोर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अगर चाहते हैं तो हम लोग का पहला पद जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी ए वन पहला पद हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। ए वन का मान 38 हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या एगो संख्या है, तो एक दो तीन चार पाँच गो संख्या है, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, पाँच। अब अंतिम संख्या यानी ए एन बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, तो माइनस का 22 हो गया, एन बराबर माइनस का 22। अब हम लोग क्या करेंगे, डी का मान निकाल देंगे, डी बराबर वाट, डी का मान निकाल देंगे। डी का मान निकाल के उसके बाद हर एक क्वेश्चन को सिंपल में बनाएंगे। तो डी का मान इतना, अब डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालेंगे हम लोग, डी का मान, है ना, दिख रहा है ना, सब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, यानी ए एन का मान, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी ए एन का मान कितना दिया है, तो माइनस का 22 बराबर ए का मान कितना दिया है, ए का मान, ए का मान यानी 38 दिया है, प्लस एन, एन बराबर कितना दिया है, तो 5 माइनस का 1 इंटू डी बराबर कुछ नहीं दिया है, डी का मान ही निकालना है, तो डी बराबर इतना लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी सूत्र से हम लोग, सूत्र से ये वाला हम लोग का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा दर्शा देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे माइनस का 22 है, तो माइनस का 22 लिखेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 29 बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4d। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 3 दो 5 1 6, यानी माइनस का कितना हो जाएगा 60, माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा 4d। अब क्या करेंगे हम लोग, 4d हो गया, अब 4d सीधा कर देंगे, 4d बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 60, यानी d बराबर माइनस का 60 बटा में कितना हो जाएगा 4, यानी 15 चौका 60। यानी d बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, d बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, यानी माइनस का 15 आ जाएगा, d बराबर माइनस का 15, d बराबर माइनस का 15, माइनस का आएगा ना, माइनस का, हाँ माइनस का 15, माइनस का 22 है ना, तो माइनस का 15 आ जाएगा, d बराबर माइनस का 15। अब आगे हम लोग इसको देखते हैं, d बराबर माइनस का 15।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग को मान निकालना है x2 का। सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे, तो x2 बराबर हम लोग का हो जाएगा आखि x1 का। सबसे पहले x1 का मान निकाल देते हैं, तो या x2 का पहले मान निकालिए। इसे होगा क्या कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके बाद इसको हटा देंगे। तो देखिए x2 का मान निकालेंगे, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, तो a1 a प्लस का क्या हो जाएगा d, यानी a1 का मान हम लोग का कितना दिया है, तो a1 का मान हम लोग का 38 दिया है और ये माइनस का 15, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे हम लोग का क्या होगा 23 होगा, यहाँ पे 23 होगा, ठीक है, यहाँ पे 23 होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, x3 निकालेंगे, तो x3 निकालेंगे, तो x3 निकालेंगे तो क्या है, ये वाला जोड़ेंगे, x2 वाला जोड़ेंगे, x2 प्लस का d, x2 का मान देखेंगे कितना है, तो x2 का मान हम लोग का 23 आ गया है और d का मान कितना है, तो d का मान हम लोग का, d का मान माइनस का 15, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस से कर देते हैं ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, तो फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 3 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8, यानी यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर हम लोग x4 निकालेंगे, तो x4 निकालेंगे तो x3 प्लस का d, यानी x3 का मान कितना दिया है 8 और माइनस का 15, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 7, है ना, 7 7 14 15, ठीक है, माइनस का 7 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। अब हम लोग को पहला पद निकालना है, पहला पद अब इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी x1 निकालेंगे अगर हम लोग, तो x1 निकालेंगे, तो x1 निकालेंगे तो हम लोग का a1 आप प्लस का क्या करेंगे, a1 माइनस का करेंगे क्योंकि इधर भेजना है हम लोग को, इधर उल्टा चल रहा है ना, तो ये माइनस लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा d। अब देखिए x1 का मान कितना दिया है, तो 1 a1 a1 का मान कितना दिया है, तो 38 और माइनस, लेकिन इस भी कितना है माइनस का 15, तो यह कितना हो जाएगा 38 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 15, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 है यहाँ पे 8 5 13 के 3 हर से ले 3 4 1 5, यानी 53 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, यहाँ पे 53 आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहते हैं तो बॉक्स के अकॉर्डिंग हम लोग लिखना होगा, अगर तो ये लिखेंगे 53, फिर क्या लिखेंगे 53, ये वाला लिखेंगे, फिर हम लोग कितना है 23, फिर लिखेंगे कितना, फिर लिखेंगे 8 और फिर लिखेंगे कितना माइनस का 7, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग एक भी क्वेश्चन, यहाँ तक के क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत नहीं होता हुआ होगा, एकदम बढ़िया से हर एक क्वेश्चन को समझ गए होंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, जो आप लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रहा होगा कि कैसे ऐसे ये क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अब हम लोग पूरा क्लियरली इसको आप लोग देख लिए होंगे कि आप लोग को कोई भी प्रकार का इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को 4 नंबर क्वेश्चन देखना था, एकदम इसको हम लोग सिंपल वे में समझेंगे। देखिए कह रहा है कि AP 3.8.13.18 है का कौन सा पद जो है 78 है, है ना, कौन सा पद 78 होगा, इसको हम लोग एकदम सिंपल वे में समझेंगे, हम लोग एकदम बेस्ट कंसेप्ट के द्वारा समझेंगे। जिस भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, हर एक स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन एकदम सिंपल लगने लगेगा। आइए हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए कौन सा पद 78 है, हम लोग सिंपल वे में हम जो जो चीज़ है उसको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं, हल में चलते हैं। ए बराबर हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, 3, ए बराबर 3 है, और देखिए ए बराबर 3 है, अब हम लोग डी यहाँ पे ए बराबर डी है, हम लोग अलग अलग सब है, डी हम लोग निकाल सकते हैं, ए टू बराबर कितना है, ए वन इसको मान लेते हैं, ए टू हम लोग मान लेंगे कितना 8 है, ए थ्री कितना है यानी तीसरा पद कितना है 13 है, सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे यानी सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर, तो डी बराबर निकालेंगे तो ए टू माइनस का ए वन निकालेंगे, तो ए टू कितना है 8 है और ए वन कितना है तो 3 है, बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का डी का मान आ गया 5, ठीक है। अब डी का मान हम लोग का 5 आ गया, अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग को निकालना क्या है, और यहाँ पे 78वां पद निकालना है, 18 का, है ना, 78 पद निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे ए एन का मान भी दे दिया है, ए एन का पद भी, कौन सा पद नहीं, कौन सा पद कह रहा है कि 78 है ना, तो ए एन बराबर हम लोग का दे दिया है 78। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कौन सा, यहाँ पे हम लोग फार्मूला चलते हैं, फार्मूला जानते हैं हम लोग, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन बराबर कितना है 78, ए का मान हम लोग का कितना दे रहा है, तो ए का मान दे रहा है हम लोग का 3, ए का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस एन, एन का मान नहीं पता है मैंने कौन सा पद 78, तो एन का मान हमको निकालना है माइनस का 1, और डी बराबर कितना है, तो डी बराबर 5 है, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे यहाँ पे, इसको प्लस का है तो इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे अभी रहने देते हैं ऐसे ही, देखिए सिंपल में बनाएंगे हम लोग, क्यों दिमाग लगाना है बेकार का, दिमाग एक्स्ट्रा हम लोग बेकार का नहीं लगाएंगे, सिंपल हम लोग समझेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो गया। अब हम लोग का एन माइनस का
वन इंटू फाइव हो गया। अब सोचिए कि गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो ये 75 है बट्टा में 5 कर देंगे बराबर n माइनस का 1, 75 कितना हो जाएगा 15 पचे 75 15 हो गया, यानी 15 बराबर n माइनस का 1 हो गया है। अभी प्लस का माइनस का है इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 15 प्लस का 1 बराबर n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 16, n बराबर बढ़िया से लिख दिया है इधर करके 16, n बराबर 16 हो गया। तो देखिए कितना सिंपल में हम लोग बना लिए, यही हो गया हम लोग का आंसर, यानी 16वां पद जो है हम लोग का कितना होगा 78 होगा, 16वां पद हम लोग का 78 होगा। तो देखिए इस तरह हम लोग एकदम सिंपल वे में बनाएंगे हम ना, हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, क्या जरूरत है इसमें n में गुना करने का, फिर n में गुना करने का, कुछ एक में गुना करने का, ये सब जरूरत नहीं, हम लोग एकदम सिंपल वे में हम लोग बना लेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों पाँच नंबर, देखिए हम लोग पाँच नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब इसमें कितने पद हैं, माने यहाँ पे आ गया है ना 205, माने यहाँ से लेके हमको इसमें कितने पद हैं कि 205 आएंगे, यहाँ पे भी हम लोग को वही निकालना था कि कितने पद हैं कि 78 हो जाएगा, माने कौन पद 78 होगा, तो 78 हम लोग का 16वां पद हो जाएगा, है ना। इसी तरह इसमें भी कह रहा है कि 205 है तो ये कौन सा पद जो है हम लोग का 205 हो जाएगा, मतलब इनके बीच में ये पूरा के बीच में कितने पद हैं, इसके बीच में कितने पद हैं, तो हम लोग यहाँ पे पाँच का एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं एकदम सिंपल में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे कि ए वन बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 7, ए टू बराबर कितना हो जाएगा 13, ए थ्री कितना हो जाएगा हम लोग का 19 हो जाएगा। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, डी माने क्या बोलते हैं सर्वांतर, डी यानी सर्वांतर बोलते हैं सर्वांतर, तो सर्वांतर यानी ए टू में से हम लोग क्या करेंगे ए टू में से ए वन को घटा देंगे, ए टू में से ए वन को घटा देंगे, यानी 13 में से 7 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 3 6 आ जाएगा, है ना। हम लोग का इसका डी का मान कितना आ गया 6, अब डी का मान 6 आ गया है, हम लोग को ए एन का मान यहाँ पे दे दिया है कितना ए एन का मान हम लोग का दे दिया है यहाँ पे, ए एन का मान यहाँ पे हम लोग का ए एन का मान भी दे दिया है, ए एन का मान दे दिया है 205, ए एन का मान यानी अंतिम पद यह मान दे दिया है हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये हम लोग का फार्मूला हो गया, फार्मूला के अकॉर्डिंग ए एन का मान कितना दिया है 205 बराबर ए का मान कितना दिया है तो 7 प्लस एन का मान कितना दिया है तो एन का मान हम लोग को नहीं दिया है तो एन माइनस का वन इंटू डी, डी का मान कितना दिया है तो डी का मान हम लोग घटा रहे हैं तो कितना आया है 6, तो 6 लिख देंगे। अब 205 माइनस का 6 बराबर 7 जोड़ एन माइनस वन, नहीं 6 है ना, सॉरी यहाँ पे हम लोग 7 ना भेजेंगे, इधर 7 भेजेंगे, 7 भेजेंगे इधर 7, 7 भेज दिए हैं 6 आ गया यहाँ पे, 7 भेज दिए। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 198 बराबर एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर 6 है तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे कटाएंगे तो 6 3 18 कट जाएगा 33 है ना, 33 बार में इसको गुणा में है तो इधर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 198 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 6 बराबर एन माइनस का 1, यानी 6 3 18 33 हो गया, यानी कहने का मतलब ये 33 इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 बराबर एन, यानी 34 बराबर एन, यानी एन का मान हम लोग का कितना आ गया एन बराबर 34 हो गया, यानी ये जो है ये सभी संख्याओं में मतलब कितना होगा इसमें इनके बीच ये पूरा कितना संख्याएं होंगी तो कितने से कितना तो 34 संख्याएं होंगी, है ना, यानी एन का मान हम लोग निकाल दिए, है ना, समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से, समझ में आ गया होगा ना, तो ये थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग समझिएगा। इसी का दो नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, दो नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं इसका। देखिए दो नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है पाँच का दो नंबर में, कितना दिया है देखते हैं हम लोग, इतना दिया है तो हम लोग फिर इसका सॉल्यूशन में चलेंगे, हल में चलेंगे, ए वन निकालेंगे तो ए वन कितना दिया है 18, ए टू हम लोग का कितना दिया है 15 2 30 31 बट्टा 2, ए थ्री कितना दिया है तो ए थ्री दिया है हम लोग का 19 सबसे पहले, और ए एन का मान हम लोग का दे ही दिया है, ए एन का मान हम लोग का क्या दिया है, ए एन का मान हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ए एन का मान हम लोग का 47 दिया हुआ है, 47 दिया है ना, प्लस का है नहीं माइनस का है ना, माइनस का है 47, चलिए यहाँ पे माइनस का हम लोग का 47 दिया हुआ है तो माइनस का यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे डी का मान यहाँ पे निकालेंगे, सबसे पहले डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर हम लोग का हो जाएगा ए टू माइनस का ए वन, ए टू का मान कितना दिया है तो 31 बट्टा 2 माइनस ए वन बराबर कितना दिया है 18, तो 18 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 31 घटाओ 1 1 2 2 तो 18 2 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो हम लोग का 5 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, 5 बट्टा
दो। अब पाँच बटा दो आ गया, लेकिन किसका होगा, माइनस का पाँच बटा दो आएगा, क्योंकि छत्तीस बड़ा है ना, पाँच बटा दो आ गया। अब पाँच बटा दो आ गया तो हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हुए हैं क्या चीज़ का, कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये फार्मूला है। ए एन का मान हम लोग का दे दिया है माइनस का सैंतालीस, बराबर ए का मान हम लोग का कितना है तो अट्ठारह, प्लस एन का मान कुछ नहीं दिया है माइनस का वन इंटू डी का मान हम लोग का कितना आ गया माइनस का पाँच बट्टा दो, तो माइनस का पाँच बट्टा दो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अब देखिए माइनस का सैंतालीस, इसको देखिए ये प्लस का है तो इधर भेजे माइनस, प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का अठारह बराबर एन माइनस का वन इंटू माइनस का पाँच बट्टा दो। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सात सात चौदह एक पंद्रह और चार एक पाँच एक छः, यानी पैंसठ आ गया है ना, पैंसठ आ गया। वो भी कितना का होगा तो माइनस का पैंसठ हो जाएगा, माइनस का पैंसठ बराबर एन माइनस वन इंटू डी का मान हम लोग का दे दिया है माइनस का पाँच बटा दो। अब देखिए गुना में है तो इधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, यानी माइनस का पैंसठ, ये देखिए भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में, आई गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी माइनस का पैंसठ बराबर एन माइनस का वन। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तेरह बचे पैंसठ, तेरह दोनों कितना हो जाएगा छब्बीस बराबर एन माइनस का वन, छब्बीस प्लस का वन बराबर एन, यानी सत्ताईस बराबर एन, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का सत्ताईस हो जाएगा, एन बराबर सत्ताईस, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल में है ना, कितना सिंपल में, समझ रहे हैं ना, सत्ताईस हो गया, यानी पूरा संख्याओं के पूरा इनके संख्या कितने हैं, यानी कितना पद हम लोग का सैंतालीस होगा, तो यहाँ पे हम लोग का सत्ताईसवां पद इसका सैंतालीस हो जाएगा। समझ में रहा है, तो एकदम हर एक चीज़ को हम लोग एकदम सिंपल वे में समझेंगे कि आप लोग को कोई भी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा और आसानी से हर एक चीज़ को समझ जाइएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को, हम लोग का छः नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ए पी ग्यारह आठ पाँच दो का एक पद माइनस का पचास एक सौ पचास है क्यों। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस को इसको। अब देखिए इसको हम लोग फिर बनाएंगे, कह रहा है कि इतना डेढ़ सौ जो है पद है कौन है, कौन पद है कि नहीं है क्यों है, अगर है तो है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ए वन इसका निकालेंगे तो ए वन कितना हो गया ग्यारह हो गया, ए टू कितना हो गया तो ए टू हम लोग का आठ हो गया, ए थ्री कितना हो गया तो ए थ्री हम लोग का पाँच हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा नहीं लिखना है हमको, सर्वांतर निकालना है तो लिखेंगे सर्वांतर यानी डी बराबर, तो D बराबर ए टू माइनस का ए वन हो जाएगा। ए टू हम लोग का कितना दे रहा है तो ए टू आठ माइनस का ग्यारह, ए टू आठ माइनस का ग्यारह यानी कितना हो जाएगा माइनस का हम लोग का आठ तीन ग्यारह माइनस का तीन हो जाएगा। D हम लोग का कितना आ जाएगा माइनस का तीन आ गया। जब D हम लोग का माइनस का तीन आ गया, हम लोग का ए एन का मान कह रहा है कि डेढ़ सौ दिया हुआ है, ए एन का मान कितना दे रहा है कह रहा है कि डेढ़ सौ दिया हुआ है, ए एन का मान, एन का मान हम लोग को कितना दिया है माइनस का डेढ़ सौ, तो हम देख रहे हैं कि हम लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, डेढ़ सौ दिया हुआ है। सर्वांतर निकाल दिए, एन का मान हम लोग का डेढ़ सौ दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर कितना है तो डेढ़ सौ बराबर ए का मान हम लोग को कितना दिया है ग्यारह, तो ग्यारह लिख देंगे। अब प्लस एन, एन का मान तो हमको निकालना है माइनस का वन इंटू डी का मान हम लोग का कितना है तो माइनस का तीन लिख देंगे। अब माइनस का डेढ़ सौ इस तरह कीजिएगा तो माइनस का ग्यारह बराबर एन माइनस का वन इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का तीन, इसको जोड़ेंगे एक छः एक माइनस का, देखिए गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो माइनस यहीं पे कर देते हैं बराबर एन माइनस का वन। अब इसको कटाएंगे, कटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे नहीं तो अभी रहने माइनस माइनस कट जाएगा, अभी रहने देते हैं, इतना बट्टा इतना, या देखते हैं हम लोग इसको इधर भी भेज सकते हैं ना, इसको इधर भी भेज सकते हैं तो भी कटा सकते हैं, तो इसको इधर भेज देते हैं माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का वन बराबर एन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक लिख देंगे, एलसीएम लेंगे तो तीन हो जाएगा, तो एक सौ इकसठ प्लस एक तिहाई तीन, एक तिहाई तीन तो तीन एकम तीन बराबर एन, यानी एक सौ चौंसठ बट्टा में कितना हो जाएगा तीन बराबर एन, ये कटेगा ही नहीं है ना, क्योंकि ग्यारह राय जोड़ने पर नहीं कटेगा, यानी ये हम लोग का पूर्णांक में आ गया है ना, पूर्णांक में आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, मतलब कहने का मतलब एन का मान हम लोग का आ जाएगा चौवन पॉइंट छः छः के करीब में आएगा है ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः इसका कोई पद नहीं होगा, अतः इसका कोई पद नहीं है, मतलब यह जो है इसका कोई पद नहीं है, इसमें पद इसका है ही नहीं, माइनस डेढ़ सौ इसका कोई पद नहीं है, इसका कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है,
है ना, मतलब 150 इसका कोई पद नहीं है। इसमें का एपी का, एपी का हम लोग का 150 जो है कोई पद नहीं है इसका, है ना। अगर कोई पद रहता तो डायरेक्ट हम लोग का एक्चुअल कोई ना कोई कांस्टेंट मतलब पूर्णांक पूर्ण संख्या आता है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है एकदम, ये पॉइंट में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग सात नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। सात नंबर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, सात नंबर क्वेश्चंस इसको बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। आइए हम लोग सात नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सात नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, है ना। 31वां पद हमको निकालना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। एकदम सिंपल में बनाएंगे, देखिए हम लोग समझ गए। सबसे पहले हम लोग एपी का पहला पद मान लेंगे, दूसरा पद यहाँ पे 11वां पद 38 है, यानी इसको हम समझाते हैं, आप लोगों को समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, पहले लिखिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या कि माना एपी का पहला पद जो है हम लोग का ए है, मानेंगे माना एपी का पहला पद बराबर, पहला पद बराबर ए, सर्वांतर सर्वांतर बराबर डी है, ठीक है, सर्वांतर बराबर डी है। सूत्र से हम लोग चलते हैं, सूत्र से। सूत्र हम लोग का क्या कह रहा है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसको कैसे, इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं ये फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला को मान लीजिए घुमाना होगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर, इसको ए एन इधर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं, बढ़िया समझिएगा। जो भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत होगा ना, ये सब क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा ना बढ़िया से, यहाँ पे इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप लोगों को कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते लास्ट तक बने रहिएगा तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। आइए हम लोग इसको भी देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम समझा रहे हैं उसको समझिएगा। कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद, 11वां पद जब भी कहेगा ना, वा का मतलब आता है, वा जब भी आ जाएगा यानी एन का मान दे दिया है, वा का मतलब आएगा इसका एन का मतलब मान दे दिया है, मतलब एन बराबर हम लोग 11 दे देंगे। और कह रहा है कि 11वां पद 38 है ना, यानी ए एन का मान दे दिया है, ए एन का मान हम लोग का कितना दे दिया है, 38 दे दिया है, समझ रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा जहाँ भी वा दे दिया वहाँ पे एन का मान दे दिया है, और जहाँ भी इतना पद है मतलब इतना 11वां पद जो है हम लोग का 38 है, यानी ए एन का मान दे दिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये हो गया। इसके बाद फिर देखिए 16वां पद 73 है तो एन का मान दे दिया हम लोग का कितना, 16, और 73 है यानी ए एन का मान हम लोग का कितना दे दिया, 73 दे दिया, समझ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और फिर हम लोग को 31वां पद निकाला है तो 31वां पद यह भी एन का मान दे रहा है, समझ में रहा है, ये भी हम लोग का कितना मान, एन का मान दे रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए एन का मान, ए का मान तो हम लोग को नहीं दिया है तो ए का मान वैसे ही रहने देंगे, प्लस एन का मान देखिए अभी बताएं, एन का मान 11वां कह रहा है तो 11 में से एक घटा देंगे, डी का मान नहीं दिया है और कितना है, 38 है तो 38 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 10 में से 11 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 डी बराबर कितना हो जाएगा, 38। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक हो गया हम लोग का, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे, पुनः जो है हम फिर चलेंगे हम लोग क्या यहाँ पे देखिए, फिर वहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में हम लोग का कि 16वां पद जो है कितना है, 16वां पद हम लोग का 73 दे रहा है, पुनः 16वां पद हम लोग का 73 दे रहा है। फिर लिखेंगे हम लोग यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना लिखेंगे, ए एन लिखेंगे। अब ए का मान वैसे ही दिया है, एन का मान 16वां पद बोला है ना, तो 16वां में से एक घटा देंगे, एन का मान दे दिया है, डी हो गया, और ए एन का मान हम लोग कितना दे दिया, 73 है तो 73 लिख दिए। अब हम लोग करेंगे क्या कि ए प्लस 16 में से घटाएंगे तो 15 डी बराबर कितना हो जाएगा, 73। इक्वेशन नंबर दो हो गया, समीकरण नंबर दो हो गया हम लोग का, दो को समीकरण हो गया। अब जब दो को समीकरण हो गया, अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग दोनों समीकरण से हल करेंगे, विलोपन विधि द्वारा या प्रतिस्थापन विधि द्वारा, हम लोग आप लोगों को वहाँ पढ़ा दिया गया है ना, थ्री चैप्टर में हम लोग। तो समीकरण एक है ना, एक और दो से, समीकरण एक और दो से, लिख देंगे। अब देखिए समीकरण एक इतना है तो लिख देंगे ए प्लस 10 डी बराबर कितना हो जाएगा, 38। फिर इसको ए प्लस 15 डी बराबर कितना हो जाएगा, 73। अब माइनस कर देंगे, माइनस इस खत्म हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5। क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है तो 15 का चीज लगा देंगे माइनस, और यहाँ पे बराबर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का डी है तो डी लिख दीजिए, माइनस का कितना आ जाएगा, 35 घटा देंगे तो 35 जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, यानी डी बराबर 35/5, 7 × 5 = 35, यानी डी बराबर हम लोग का कितना आ गया, डी बराबर हम लोग का 7 आ गया, डी का मान हम लोग का 7 आ गया। जैसे ही डी का मान हम लोग का 7 आ गया,
थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। डी का मन हम लोग का 7 आ गया। तो किसी भी इक्वेशन में जिस इक्वेशन को हमको जिस इक्वेशन में मन करे उस इक्वेशन में हम लोग मान रख सकते हैं। तो लिख देंगे समीकरण नंबर एक ही में मान रख देते हैं ना, समीकरण एक में लिख देते हैं, समीकरण एक में डी बराबर 7 रखने पर, 7 रखने पर समीकरण डी में, समीकरण एक में डी का मान रखने पर, तो समीकरण एक हम लोग का कितना है, तो ए प्लस 10D बराबर 38। ए का मान हम लोग का कितना है, तो ए का मान नहीं पता है, तो ए का मान वैसे ही रहने देंगे, प्लस 10 इंटू डी का मान कितना दिया है 7 बराबर कितना 38 है ना, 7 बराबर 38, यानी ए बराबर हम लोग का आ जाएगा 38 38 ये माइनस 10 सत्तर 70 है, इसको उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 70, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा, माइनस का 32, क्योंकि 70 बड़ा है, 70 का बड़ा है, इसीलिए हम लोग 70 में से 70 का चिन्ह उतार दिए, 70 में से 38 घटा दिए, तो कितना आ गया 32, माइनस का 32। हाँ तो दोस्तों 8 नंबर हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एपी में 50 पद हैं जिनका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जो है 106 है, तो उसका 29वां पद ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है, 29वां पद। पहला देखिए एपी का 50 गो पद है जिसका तीसरा पद हम लोग का 12 दे रहा है और अंतिम पद जो है 106 दे रहा है, तो कह रहा है कि हम लोग को 29वां पद ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे सूत्र से हम लोग बनाएंगे, सूत्र जो हम लोग का कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सूत्र हम लोग का कह क्या रहा है कि सूत्र हम लोग का यहाँ पे है, हम लोग का क्या है, तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। अब देखिए हम लोग का मान लेंगे कि माना एपी का पहला पद, ये हम लोग का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माना एपी का पहला पद बराबर, हम लोग मान लेंगे क्या है ए है, और सर्वांतर बराबर डी मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए समझिएगा इसको, अब हम लोग का कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग का तीसरा पद 12 है, बोला है ना क्वेश्चन में तीसरा पद हम लोग का 12 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से हम लोग चलते हैं, प्रश्न से तीसरा पद हम लोग का 12 है, तो हम लोग देखिए ए हम लोग ए मानेंगे प्लस एन बराबर, यानी तीसरा पद बोला है ना, तो तीसरावा पद बराबर कितना है 12 है, तो 12 लिख देंगे। अब इसी को हम लोग सब सॉल्व कर देंगे है ना, तो ए प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2D बराबर कितना हो जाएगा 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेंगे, फिर कितना हो गया। फिर हम लोग का कह रहा है अंतिमवा पद, चूंकि हम लोग का 50 गो पद दिया है तो अंतिमवा पद हम लोग का कितना हो जाएगा, अंतिमवा पद 50 हो जाएगा ना, तो कह रहा है ए प्लस 50 गो पद दिया है तो अंतिमवा पद माइनस का डी बराबर हम लोग का कितना दिया है, तो डी वैसे ही रह जाएगा, और कितना है तो 106 दिया है, तो 106 लिख देंगे। अब ए प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49D बराबर कितना हो जाएगा 106, समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में हम लोग का दिया है ए प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे ए प्लस 49D बराबर कितना हो जाएगा 106, समीकरण एक ये हो गया और समीकरण दो हम लोग का ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 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 चेंज कर देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 47D है ना, माइनस का 47D, इसको घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा माइनस का 94, माइनस माइनस का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी डी बराबर 94, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 47, घटाएंगे तो कितना बार में, दो बार में कट जाएगा, यानी डी बराबर हमारा कितना आ गया, तो डी बराबर 2 आ गया। जब डी बराबर हमारा 2 आ गया, हमको निकालना क्या है, ए का मान भी निकालना है ना, आप प्लस 29वां पद निकालना है, तो ए बराबर हम लोग किसी समीकरण में मान रख के निकाल सकते हैं, तो यहीं पे बना देते हैं यहाँ पे। देखिए समीकरण 1 में हम लोग डी का मान रख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे, समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 में हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, समीकरण 1 में एक है हम लोग का, तो ए प्लस 2D बराबर 12, ए प्लस 2 इंटू डी बराबर कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी ए प्लस 2 दोनों 4 बराबर 12, यानी ए बराबर 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ए का मान हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब जब ए का मान हमारा 8 आ गया, तो हमको निकालना क्या है, तो 29वां पद निकालना है, बोला है ना क्वेश्चन में हम लोग का क्या बोला है, 29वां पद, तो निकालेंगे 29वां पद, 29वां पद निकालना है,
तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या चीज़ कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए का मान हम लोग का आ गया 8 प्लस एन का मान हम लोग का कितना है 29वां, माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। यानी 8 प्लस 28 गुणा में 2, यानी 8 प्लस 28 गुना 56, यानी 8 6 14, यानी 64 हम लोग का 49वां पद, हम लोग 29वां पद हम लोग का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एपी का, अतः एपी का 29वां पद बराबर 64 होगा, हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। देखिए ऐसे किया गया है, यहाँ तक बना लीजिएगा डी का माना जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से चलेंगे यहाँ तक अंतिम में हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। 9 नंबर भी एकदम सिंपल सा है ना, आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों हम लोग का कि यदि एपी का तीसरा और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है। तीसरा पद यानी तीसरावां पद यानी एन का मान दे दिया है 4 और 9वां पद हम लोग दे दिया है माइनस का 8, तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी शून्य वाला पद निकालना है ना, शून्य पद निकालना है, उसको हम लोग बनाना है। इसको भी एकदम सिंपली बनाएंगे, एकदम ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग सिंपली पहले मान लेंगे कि माना एपी का पहला पद बराबर ए, ठीक है, पहला पद बराबर ए, सर्वांतर मान लेंगे, सर्वांतर हम लोग क्या मानेंगे, सर्वांतर डी मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग अकॉर्डिंग सूत्र के अकॉर्डिंग से चलेंगे, सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। देखिए ऐसे, देखिए फॉर्मूला लिखिएगा ना तो इसे ये होगा ना, टीचर समझेंगे कि हाँ लड़का थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ा है, क्यों, क्योंकि ये सब फार्मूला वर्मूला सब लिखे एकदम विधिवत रूप से बनाया है ना, इसलिए आप लोग इसका यूज करिए ऐसे ही, ठीक है। सूत्र से ऐसे लिखिए, बढ़िया से बनाइएगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और समझ में भी आएगा। देखिए ए प्लस एन, एन बराबर तीसरा पद बोला है ना, तीसरा पद बोला है, तो इसको सिंपल ए प्लस एन बराबर तीसरावां पद हम लोग का कितना बोला है, तीसरावां पद 4 है, तो 4 लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस कितना हो जाएगा 2d बराबर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर पुनः हम लोग को बोला है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ए प्लस, फिर हम लोग का बोला है कितना पद, तो 9वां पद बोल रहा है, तो 9वां पद कितना है हम लोग का, तो माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 लिख देंगे, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो a प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8d बराबर माइनस का 8, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 हम लोग का ये है, तो लिख देंगे a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण 2 a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 6d, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, यानी टी का मान आ जाएगा डी बराबर हम लोग का माइनस का 12 हो जाएगा बट्टा में 6 6 दूना 12, यानी डी बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, डी बराबर हम लोग का माइनस का 2 आएगा, डी बराबर माइनस का 2 आ गया। अब डी बराबर जैसे ही हम लोग का माइनस का 2 आया, अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे समीकरण 1 में मान रख के ए का मान निकाल देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण एक में डी बराबर माइनस 2 रखने पर है ना, तो समीकरण एक में हमारा रखें, समीकरण एक हम लोग का ये है तो इसमें रखेंगे, तो a प्लस 2d बराबर 4 है, a प्लस 2d का मान कितना है माइनस का 2 बराबर 4, यानी a प्लस माइनस 2 दूना 4 बराबर 4, यानी a बराबर 4, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 8, a का मान अब हम लोग का 8 आ गया। जैसे ही a का मान 8 आ गया हम लोग का, हम लोग करेंगे क्या कि अब हम लोग को कितना पद निकालना है, 0वां पद निकालना है, कि 0 कौन सा पद 0 हो जाएगा है ना, तो 0वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि n का मान 0 ले लेंगे। कौन सा पद पूछ रहा है, यानी n का पद मान पूछ रहा है, n बराबर वाट होगा, n का मान हमको पूछ रहा है, यानी a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एन का मान पूछ रहा है, ए का मान पता है, डी का मान पता है, और ए एन का पता है कौन, तो शून्य बोल रहा है ना, तो शून्य मान लेंगे यहाँ पे, चाहे इधर हम लोग शून्य लिख देते हैं या इधर जान देंगे, कहीं भी देखे शून्य है तो शून्य लिख देंगे। ए का मान कितना दिया 8,
प्लस एन का मान हमको पूछ रहा है और डी का मान हम लोग कितना है माइनस का टू यहाँ पे है ना, तो ये लिख देंगे हम लोग माइनस का टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, एट को इधर भेज देंगे तो माइनस का एट हो जाएगा बराबर एन माइनस का वन। अरे देखिए गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो माइनस का टू कट जाएगा, चार दुना आठ तो ये चार हो जाएगा बराबर एन माइनस का वन। एन को इधर ले जाएंगे, ए वन को इधर ले जाएंगे तो वन एन, एन बराबर कितना हो जाएगा फाइव, एन बराबर फाइव, यानी इसका पांचवा पद जो है हमारा शून्य हो जाएगा। एपी का पांचवा पद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, एपी का पांचवा पद हम लोग का शून्य हो जाएगा, एन का मान हम लोग का आ गया इतना। तो इस तरह एकदम हम लोग सिंपल वे में नौ नंबर क्वेश्चंस को भी बना लेंगे, जिसको भी दिक्कत होगा आप लोग यहाँ से उतार लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि और हम लोग मोटिवेट हो और आप लोग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करें। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए दस नंबर क्वेश्चंस कह रहा है दोस्तों, किसी एपी का सत्रहवां पद उसके दसवें पद से सात अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करें। देखिए सत्रहवां पद उसके दसवें पद से सात अधिक है, सत्रहवां पद उसके दसवें पद से सात अधिक है। देखिए ये एन का मान, ये भी एन का मान, लेकिन ये एन का मान दे दिया है और यहाँ पे क्या किया है सात अधिक है, तो सात हम लोग अधिक कर देंगे तो सिंपली हम लोग का बन जाएगा। आइए इसको देखते हैं एकदम सिंपल में, सेम टू सेम उसी पैटर्न पर हम लोग चलेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे माना एपी का पहला पद बराबर ए, सर्वांतर बराबर क्या मान लेंगे डी मान लेंगे, सर्वांतर क्या मान लेंगे डी मान लेंगे। अब सर्वांतर डी मान लिए हम लोग है ना, सर्वांतर जब डी मान लिए हम लोग प्रश्न से अब हम लोग चलेंगे, प्रश्न से हम लोग का क्या कह रहा है, प्रश्न से हम लोग का सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। प्रश्न से हम लोग का फार्मूला क्या है, तो फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, प्रश्न यहाँ पे फार्मूला एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला हम लोग लिख देंगे। प्रश्न से हम लोग का कह रहा है क्या कि सत्रहवां पद जो है हम लोग का सत्रहवां पद और सत्रहवां पद उसके दसवें पद से सात अधिक है बोला है, तो सत्रहवां पद सबसे पहले निकलेंगे तो ए प्लस एन का मान सत्रह हो जाएगा, सत्रहवां बोल दिया है माइनस डी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ए प्लस कितना हो जाएगा सोलह डी, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे हम लोग। ठीक है, यानी इक्वेशन फर्स्ट नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग इसको, इक्वेशन पर नहीं मानेंगे इसको, ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम लोग का पुनः जो है कह रहा है कितना, पुनः हम लोग को बोल रहा है यहाँ पे कि दसवें पद बोल रहा है, फिर ए प्लस दसवां पद तो एन माइनस डी, तो देखिए ए प्लस नौ डी इतना हो गया। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि सत्रहवां पद से, मतलब देखिए यहाँ पे सर्वांतर हम लोगों को कह रहा है, सर्वांतर जो है हम लोग का सर्वांतर यानी अंतर जो हम लोग का कह रहा है कि इसके सत्रहवें पद से आइए जो है दसवां पद है ना, दसवां पद नौ डी सात अधिक है बोला है ना, सात अधिक है तो सात अधिक कर दिए, इसे सात अधिक कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए समझिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे कि ए प्लस सोलह डी प्लस माइनस माइनस ए माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस नौ डी बराबर कितना हो जाएगा सात। अब ये देखिए दो से कट जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो सात डी बराबर सात, यानी डी बराबर सात बटा सात एकम सात, यानी डी इक्वल टू कितना आ गया सात, डी का मान हम लोग कितना आ गया सात। अब डी का मान जैसे ही हम लोग का सात आ गया तो अच्छा क्या पूछा है हम लोग का, एपी का मान पूछा है ना, सर्वांतर पूछा है, तो सर्वांतर हम लोग का डी का मान ही आ गया हम लोग का ए, तो हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ही बना लेंगे। फिर हम लोग का कितना नंबर कह रहा है, ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एपी हम लोग का तीन पंद्रह इतना का कौन सा पद जो है चौवनवें पद से 132 अधिक है, चौवनवें पद से 132 अधिक है हम लोग को पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का इसमें तो डी का मान हम लोग को दे ही दिया है ना, डी का मान दे ही दिया, डी का मान यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग, और डी का मान निकाल के हम लोग एकदम सिंपल में बना लेंगे इसका तीसरा पद है ना, इसको हम लोग एकदम सिंपल में कितना अधिक है कह रहा है कि 132 अधिक है, तो आइए इसको हम देख रहे हैं चौवनवें पद से कह रहा है कौन सा पद जो है चौवनवें पद से हम लोग का 132 अधिक है, तो एन का मान इसमें निकालना है, तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका डी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, डी सबसे पहले हम लोग का एपी दिया है तीन पंद्रह सत्ताईस ऐसे ही दिया है ना, तो हम लोग का पहला पद तो पाँच तीन हो गया, दूसरा पद कितना हो गया पंद्रह हो गया, तो हम लोग डी निकालेंगे, डी बराबर हम लोग का ए टू माइनस ए वन, ए वन यानी पंद्रह में से कितना घटा देंगे तीन घटा देंगे, अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेंगे कि माना, यहाँ पे मानना पड़ेगा हम लोग को है ना,
यहाँ पे मानेंगे कि माना माना इस एपी का इस एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक है, मान लेंगे इसको, ठीक है। जैसे ही हम लोग मानेंगे, जैसे ही हम लोग मानेंगे तब क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं अर्थात, डेट इज, इसका मतलब होता है अर्थात, समझिएगा। पहला पद हम लोग का ए, मतलब फार्मूला होता है ना, फार्मूला जो हम लोग होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तब यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ए तीन प्लस एन, एन का मान हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, डी डी का मान हम लोग का कितना आ गया, तो डी का मान 12 आ गया, तो 12 लिख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे माइनस, फिर हम लोग को अगला में चलेंगे, तीन प्लस 54वां पद माइनस वन इंटू डी बराबर 12, बराबर कितना अधिक है, तो 32, 132 अधिक है, तो 132 लिख देंगे। अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर, समझिएगा। अब तीन प्लस, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं, 12 में n से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12n, हाँ माइनस 12 में 1 से तो 12, ठीक है, माइनस इसको 3 है तो 3 प्लस, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 53, 53 गुणे में कितना हो जाएगा, 12। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बराबर 132 इतना हो गया। अब समझिएगा, 3 प्लस 12 n माइनस का 12, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब 3 प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 636, गुना कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, या इसको भी रहने देते हैं, है ना, सिंपली इसको ब्रैकेट अब तोड़ देते हैं हम लोग, है ना, ब्रैकेट तोड़ देंगे, तो ये 3 प्लस 12n माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस माइनस का 636 बराबर कितना हो जाएगा, 132 बराबर 100 हम लोग 32 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए 3 माइनस का है, 3 पॉजिटिव का है, खत्म हो गया। अब देखिए 12n है तो 12n, आ इसमें से देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो जोड़ेंगे ना, माइनस लगा के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 यहाँ पे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 132। और फिर ये देखिए इसको उधर भेजेंगे तो ये 12n बराबर 132, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 648 हो जाएगा। अब 12n बराबर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 780, यानी n बराबर 780 बटा में कितना हो जाएगा 12, तो 12 छक 72 और 12 पचे 60, यानी 65 आ जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया, 65 आ गया, n का मान हम लोग का 65 आ गया, तो हम लोग का 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एपी का, इसलिए चूँकि यह इसलिए एपी का 65वां पद, एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, ठीक है। यहाँ तक लिख देंगे, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, समझ रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग 12 नंबर है ना, 11 नंबर है, 11 नंबर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग आराम से देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा हम लोग को, है ना। 12 नंबर देखिए हम लोग का क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है, उसके 100वें पदों का अंतर 100 है, इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। देखिए दो समांतर श्रेणियों का समांतर समान है, माने सर्वांतर जो है हम लोग का समान है, और उसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उसके 1000वें पद का अंतर जो है क्या हो जाएगा, इसको सिंपल में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग को क्वेश्चन को देखते हैं सिंपल में। सबसे पहले जो हम लोग मानना है एक्स वाई, हम लोग मान के उसके बाद बनाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, हम लोग मान कर बनाएंगे। माना एपी का पहला पद जो है हम लोग का एक्स है, माना पहले एपी का पहला पद बराबर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरे एपी का दूसरा पद बराबर हम लोग क्या मानेंगे, वाई मान लेंगे, ठीक है। दोनों श्रेणियों का सर्वांतर जो हम लोग का क्या है, समान है। दोनों श्रेणियों का सर्वांतर क्या है, हम लोग का समान है, तो लिखेंगे दोनों श्रेणियों का सर्वांतर, दोनों
श्रेणियों का सर्वांतर जो है हम लोग का दोनों श्रेणियों का सर्वांतर बराबर हम लोग डी मान लेंगे। ठीक है, अब पहले एपी का पहला पद मानेंगे हम लोग, पहले एपी के लिए सौवा पद हम लोग देखेंगे। सौवा पद सौवा आ रहा है, वा आ रहा है, यानी एन का मान दिया है ना। तो पहला पद तो एक्स प्लस सौ माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, तो एक्स प्लस 99 डी हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम लोग दूसरे के लिए निकालेंगे, दूसरे एपी के लिए सौवा पद तो दूसरे एपी के लिए क्या माने हैं वाई, तो वाई प्लस 100-1 इंटू डी, यानी वाई प्लस 99 डी हो जाएगा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न से हम लोग चलेंगे, प्रश्न से अब देखिए एक्स प्लस 99 डी है ना, 99 डी माइनस वाई प्लस 99 डी है ना, क्या है 100 अधिक है। बोला है पहले एपी का कहा है कि सौवे पदों के अंतर जो है 100 है, सौवे पदों का अंतर यानी दूसरे पहला एपी और दूसरे पदी का अंतर, पदों का अंतर क्या है हम लोग का 100 है, तो 100 लिख दिए हैं। ठीक है, अब सिंपली हम लोग इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को, 99 डी माइनस का वाई माइनस का 99 डी बराबर कितना हो जाएगा 100, 99 से 99 कैंसिल, यानी एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया 100 हो गया। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग 1000वें पद का बोला है, पुनः जो है हम लोग पहले एपी के लिए निकालेंगे, पुनः पहले एपी के लिए 1000वां पद, अब दोनों हम लोग निकालेंगे फिर 1000वां पद। तो देखिए एक्स प्लस 1000 माइनस का 1 इंटू डी, यानी एक्स प्लस 999 डी हो जाएगा। फिर दूसरे एपी के लिए हम लोग लिखेंगे, दूसरे एपी के लिए तो फिर 1000वां पद बराबर फिर वाई हो जाएगा ना, दूसरा हुआ काम क्या माने हैं वाई माने हैं ना, वाई माने यहाँ पे वाई दूसरे पद के लिए, तो वाई मानेंगे वाई प्लस 1000 माइनस का 1 इंटू डी, तो वाई प्लस 999 डी। अब दोनों पदों का अंतर कितना हम लोग को बोला है, तो दोनों पदों का अंतर हम लोग को देखना है कि कितना हो जाएगा, है ना। तो दोनों पदों का अंतर हम लोग सिंपली लिख देंगे प्रश्न से, दोनों पदों का अंतर है ना, प्रश्न से फिर हम लोग लिख देंगे, प्रश्न से दोनों पदों का अंतर हम लोग को पूछ रहा है, तो लिखेंगे एक्स प्लस का 999 डी माइनस वाई प्लस का 999 डी। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस का 999 डी माइनस वाई माइनस 999 डी, तो 999 डी खत्म हो जाएगा, यानी एक्स माइनस का वाई हो जाएगा, एक्स माइनस का वाई बराबर कितना है हम लोग का 100 दिया है, ये है ना। तो लिख देंगे हम लोग समीकरण एक में एक्स माइनस वाई का मान रखने पर, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक से एक्स माइनस वाई का मान रखने पर तो एक्स माइनस वाई का मान रखना है, तो एक्स माइनस वाई का मान हम लोग का कितना आया है 100 आया है ना, 100 लिख देंगे यहाँ पे एक्स माइनस वाई का मान 100, तो 100 लिख देंगे। तो अतः एपी का 1000वां पद भी क्या होगा, अतः एपी का 1000वां पद बराबर कितना ये 100 होगा। हो गया, तो यही है हम लोग का, थोड़ा सा लेंदी है। देखिए सबसे पहले हम लोग पहले एपी का मान लिए हैं एक्स, दूसरे एपी का वाई मान लिए हैं, दोनों श्रेणियों का सर्वांतर डी मान लिए हैं क्योंकि समान बोला है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सौवा पद निकाल रहे हैं, पहले एपी का सौवा पद, पहले एपी का वाई एक्स जो मान एक्स माने हैं इसको, तो एक्स लिख दिए हैं, सौवा पद निकाल दिए हैं। फिर दूसरे एपी के लिए सौवा पद निकाल रहे हैं, दूसरे पद के लिए क्या माने हैं, देखिए दूसरे पद के लिए वाई माने हैं तो वाई ले लिए हैं, घटा दिए तो इतना आ गया। अब दोनों का अंतर बोला है हम लोग का 100, तो दोनों का अंतर
100 निकाल देंगे, ये खत्म हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 100, तो x माइनस वाई बराबर 100 आ गया। फिर दूसरे एपी के लिए 1000वां पद बोला है, तो दूसरे एपी माने पहले एपी के लिए ही 1000वां पद निकालना है, तो 1000वां पद निकालेंगे, x प्लस इतना निकाल दिए। उसके बाद फिर दूसरे एपी के लिए फिर y प्लस का 1000वां पद, तो इतना निकाल दिए। अभी दोनों को कट रहे हैं, ये दोनों प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इतना आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो हम लोग का x माइनस वाई आ गया। तो x माइनस वाई का समीकरण x x माइनस वाई का मान रखेंगे, तो x माइनस वाई का मान रखेंगे तो कितना जाएगा 1000, ऐसा 100 आ जाएगा, तो लिख देंगे तो एपी का 1000वां पद जो है कितना होगा 100 होगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, सिंपल है ना। तो इस तरह हम लोग हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम बारीकी से बनाते जाएंगे कि हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग का यहाँ पे कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली ऐसा संख्या निकालना है जो 7 से हम लोग को विभाज्य है। तो एकदम सिंपल में हम लोग इसको समझेंगे कि 3 अंकों वाली कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। एकदम देखिए तरीका इसको समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो लिखेंगे 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ठीक है। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हम लोग का 100 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 से विभाजित करेंगे और शेष देखेंगे कितना आ रहा है ना, शेष देखेंगे कितना आ रहा है, 7 से भाग कर रहे हैं तो 7 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना हम लोग का शेष आएगा। तो 7 से हम लोग भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 भाग करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर देते हैं हम, देखिएगा 7 से 7 एकम 7 3 0 सात्रिका 21 कितना हो जाएगा हम लोग का, सात्रिका 7 चौका 28 करेंगे कितना आ जाएगा 2 शेष आ जाएगा ना। तो यही हम लोग का शेष कितना आ जाएगा 2, शेष हम लोग का कितना आ गया 2 हो गया। जब शेष 2 हो गया तो अब देखेंगे कि सबसे निकालेंगे कि 7 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है। 3 अंकों की 7 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है उसको सिंपली हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 से विभाजित होने वाली, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप ही समझिए छोटी संख्या, देखिए समझिएगा इसको कैसे हम लोग करेंगे। इसे 100 लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्लस लिखेंगे और 7 में से, देखिए 7 अंकों की है, 7 में से शेष जो आया है ना 2 घटा देंगे, यानी 100 और प्लस 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी 105 वह छोटी संख्या है, 105 वह छोटी संख्या है, 105 वह छोटी संख्या है जो 7 से हम लोग को विभाजित हो जाएगी। 7 से हम लोग का सबसे छोटी संख्या 105 है जो 7 से हम लोग को विभाजित होगी, पहली संख्या ये निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे जो 7 से हम लोग को विभाज्य होगी, ठीक है। तो लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगला लिखेंगे हम लोग 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब हम लोग को 999 हमको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा जो 7 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे 7 से विभाज्य विभाजित होने वाली, 7 से विभाजित होने वाली सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे हम लोग इतना हो गया, तो यहाँ पे हम लोग फिर 999 में 7 से भाग देंगे तो हम लोग का शेष कितना आएगा, शेष 5 आ जाएगा, शेष हम लोग का कितना आ जाएगा 5, भाग करके देख लीजिएगा शेष 5 आ जाएगा। तो वही 7 से विभाजित होने वाली 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा समझिएगा, 999 में से सिंपली हम लोग 5 घटा दें, यहाँ पे 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 994। ये 7 से हम लोग का क्या होगा विभाज्य होगा, 7 से हम लोग का क्या होगा विभाज्य होगा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या 105, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
994 हो गया जो 7 से विभाज्य होगी, जो 7 से विभाज्य होगी। अब हम लोग सिंपली करेंगे क्या कि हमारा पहला पद ले लेंगे 105, पहला पद 105 डी बराबर, देखिए 7 हम लोग घटा रहे हैं ना, 7 घटा रहे हैं, डी का मान हम लोग का सर्वांतर का मान डी आ गया। अब ए एन बराबर यानी अंतिम पद हम लोग ले लेंगे 994। अब हम लोग को पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, तो एन संख्याएं हैं। अब एन संख्याएं है, अब एन हम लोग मान रख देंगे फॉर्मूला से, अब बना लेंगे। अब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का मान हम लोग कितना दिया 994 बराबर ए का मान हम लोग का 105 प्लस एन, एन बराबर नहीं दिया है, एन का मान निकाला है, एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना दिया है 7, तो 7 लिख देंगे। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 105 को खींच के इधर लाएंगे तो 994 में से 105 घटा देंगे बराबर एन माइनस का 1 इंटू 7। अब देखिए इसको घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे घटाइए, घटाएंगे हम लोग तो घटाते हैं हमें यहाँ पे तो 9, ये हो जाएगा हम लोग का 8, ये हो जाएगा हम लोग का एक जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 बराबर एन माइनस एन 1 इंटू 7 है, 7 को खींच के इधर लाते हैं, गुना है तो भाग कर देते हैं, भाग कर देंगे बराबर एन माइनस का 1। अब समझिएगा यहाँ पे एन माइनस वन लिख दिए, यानी इसको कटाइए तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 1, 7 दूना 14 है ना, 7 दूना 14 और 7 सते 49 है ना, यानी 127। इसको इधर लाएंगे तो 1 हो जाएगा बराबर एन, यानी 128 बराबर एन, यानी पूरा नंबरों की संख्या कितना हो जाएगा 128, यानी n बराबर इसको 128 लिख देंगे, यानी टोटल नंबर हम लोग का कितना होगा 128 हो जाएगा। ये इसको समझाते एक बार बढ़िया से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें 7 तीन अंकों की संख्या पूछ रहा है कि 7 से विभाज्य होगी कौन, कितनी संख्याएँ हैं, है ना। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, 100 हो गया, और 100 यहाँ से घटाएं भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो शेषफल हम लोग का कितना आएगा 2, तो 2 लिख दिए। अब 7 से विभाज्य होने वाली तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 प्लस यहाँ पे हम लोग का जो भाग करना था उससे अभाव जो शेष है माइनस घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना 105 आ जाएगा। फिर हम लोग तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे तो 999 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। अब 999 में भाग करेंगे, 999 में भाग करेंगे तो शेषफल हम लोग कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब शेषफल जो 5 आया है तो 7 अंकों से विभाजित होने वाली तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, तो 994 जो होगा तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर हम लोग ए एन बराबर मान लेंगे, ए बराबर मान लेंगे हम लोग का, ए बराबर मान लेंगे हम लोग सबसे छोटी संख्या पहला पद, डी बराबर 7 मान लेंगे, ठीक है। और ए एन यानी पूरा अंतिम पद हम लोग का कितना हो गया, अंतिम पद जो है हम लोग का 994 हो गया, और एन का मान निकालना है, टोटल संख्या निकालना है तो टोटल संख्या हम लोग का सिंपली घटा देंगे, तो घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 800 इतना रहे, और फिर सबसे भाग करेंगे तो 127 और 127 को फिर इधर एक को इधर खींच के लाएंगे तो वन हो जाएगा यानी 128। यानी कहने का मतलब कि 100 से लेके 999 के बीच में, 100 से लेके 999 के बीच में तीन अंक ये भी है, तीन अंक ये भी है, है ना, इतना के बीच में 128 को संख्या होगा, 128 को संख्या होगा जो 7 से क्या होगा विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, समझ में रहा है। तो ऐसे हम लोग को मतलब क्वेश्चन पूछा है ऐसे हम लोग का। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर फिर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। सेम टू सेम यही पैटर्न हम लोग अपनाएंगे, है ना, एकदम सिंपल सा यही पैटर्न अपनाएंगे हम लोग का हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं सब। फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 भागा में 4 करेंगे, 4 से विभाज्य बोला है ना, 4 करेंगे, भाग करेंगे हम लोग का, शेषफल कितना आ जाएगा 2 शेष आ जाएगा, 2 शेष भाग करके आप लोग देख लीजिएगा 2 शेष आ जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे 10 के ठीक बाद, 10 के ठीक बाद है ना, 10 के ठीक बाद पहला 4 का गुणज, पहला जो है 4 का गुणज, 4 का गुणज हम लोग निकालेंगे, गुणज 4 का गुणज कौन है, तो समझ हम जानते ही हैं कि यहाँ पे 10 कर देंगे आप प्लस, देखिए क्या किए थे 4 से जो भाग किए थे फिर माइनस में 2, वहाँ पे क्या किए थे, देखिए वहाँ पे भी हम लोग किए थे सेम टू सेम उसी पैटर्न पर हम लोग चलेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे भी क्या किए थे, 100 लिख दिए थे आप प्लस, जिससे भाग कर रहे थे जिस शेषफल आया था उसको घटाए थे, घटाए थे ना, सेम टू सेम यहीं पर भी ये भी यहीं पर यही करेंगे, है ना। तो अब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 10 अब प्लस 2 हो जाएगा यानी 12, है ना, यानी 4 का गुणज 10 के बाद जो हम लोग का कितना होगा 12। ऐसे भी हम लोग देखिए 4 3 12 होता है ना, 4 के बाद 4 से अगर हम लोग करते हैं तो 10 के बाद यही होगा, उसके बाद ना 4 4 16 आता है ना, तो ऐसे आगे निकल गया। और फिर लिखेंगे, है ना, अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग फिर अगला जो 250 हम लोग
हम लोग को बोल रहा है, तो फिर लिखेंगे 250 भागा में 4 कर देंगे। शेषफल फिर हम लोग का कितना आ जाएगा, शेषफल हम लोग का फिर आ जाएगा 2 शेषफल आता है, 2 शेषफल आएगा। जब 2 शेषफल आएगा तो फिर हम लोग इसमें सिंपली हम लोग घटा देते हैं ना, तो लिखेंगे कि यहाँ पे कि 250 के ठीक पहले है ना, 250 के ठीक पहले जो कौन सा संख्या जो 4 से कट जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 250 के पहले जो 4 से कट जाएगा, जो 4 से कट जाएगा है ना, ये 4 का गुणज होगा, एक ही बात है, 4 से कट जाएगा या 4 का, 4 से 4 का लिख दे रहा है, 4 का गुणज होगा, एक ही बात होगा। तो अब देखिए 250 में से क्या करेंगे भाग, यहाँ पे 250 हम लोग का शेष जो है ना, भाग नहीं घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 248। अब 248 क्या होगा हम लोग को, 248 जो होगा हम लोग का 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कि नहीं, 250 के पहले हम लोग का कौन सा संख्या है, 248 हो गया। अब सिंपली हम लोग फिर क्या करेंगे कि ए बराबर यानी पहला पद हम लोग मान लेंगे 12 है ना, पहला पद क्या मान लेंगे 12, ये वाला 12 है ना, अंतिम पद यानी ए एन का मान लेंगे हम लोग कितना 240 और 248, और डी का मान कितना ले लेंगे, तो डी का मान हम लोग का कितना, डी का मान हम लोग 4 ले लेंगे है ना। एन का संख्या निकालना है यानी टोटल कितनी संख्या है उसको हम लोग को निकालना है, तो यहीं पे हम लोग निकाल देते हैं है ना, ये दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे हम, फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। तो ए बराबर कितना है हम लोग का, ए एन बराबर 248 बराबर, ए का मान हम लोग का कितना 12 प्लस एन का मान तो नहीं पता है, और डी का मान कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे 248 इसको खींच के इधर लाएंगे तो 12, अब यहाँ पे एन माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा 4, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 बराबर एन माइनस का 1 इंटू 4 है, 4 है। अब क्या करते हैं कि इसको इधर ला लेते हैं और इसको सिंपली हम लोग कटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इसको इधर लिख देते हैं हम लोग, एन माइनस का 1 बराबर 200 कितना है 36। अब देखिए इधर था गुणा में था, तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा भाग में, तो भाग में हम कर लेते हैं, इसको कटाएंगे तो हम लोग कटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो इसको कटाएंगे तो 5 चौका 20 है ना, 9 चौका 36 यानी आ गया हम लोग का 59, यानी n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 59 आ गया। तो अब n बराबर कितना हो जाएगा 59 और प्लस का 1 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 60 आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 60, यानी n का मान 60, यानी कहने का मतलब 10 से लेके 250 के बीच में जो है हम लोग को टोटल 60 को संख्या है, 60 संख्या है, 60 को संख्या है, 60 को लिख दीजिएगा, 60 को संख्या है जो कितना से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, या 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा, एक ही बात होगा, 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा, यानी कितना 60, ठीक है 60 होगा। तो ये सब हर एक चीज़ है ना, इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। आगे हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, एकदम सिंपल में हर एक क्वेश्चंस को हम लोग समझते जाएंगे कि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस को। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ इतना है ना, 63, 64, 65 और 3, 10, 17 के एन वे पद बराबर होंगे, माने इसका पद और इसका पद कौन सा पद जो होगा दोनों क्या होगा बराबर होगा, समझ में आ रहा है। तो उसको हम लोग देखते हैं एकदम सिंपल में, उसको भी हम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोग का हो गया होगा क्या, सबसे पहले हम लोग जानते हैं 63, 64, 65 और 67 एक पद था, मतलब ये एक पद का था, और यहाँ पे 3, 10 और 17 एक जगह था, हम लोग का कौन सा पद बराबर होगा ना, यही देखना था हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि यहाँ पे देखिएगा, पहले एपी का हम लोग लिखेंगे, पहले एपी का है ना, पहले पहले एपी के लिए लिखेंगे, पहले एपी के लिए जो है, पहले एपी के लिए हम लोग का ए जो है हम लोग का दिया था, ए दिया था 63 दिया है, ठीक है। हम लोग को डी निकालना है, तो डी बराबर क्या करते हैं, 65 दिया था ना, 65 में से 63 घटा देंगे तो डी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2, दो हम लोग का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, दो हम लोग का डी हो गया, डी का मान हो गया। अब दूसरे एपी के लिए हम लोग देखेंगे, दूसरे एपी के लिए हम लोग का ए का मान कितना दिया है 3, डी निकालेंगे अगर तो 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा है ना, डी का मान हम लोग का 7 हो जाएगा दूसरे एपी के लिए।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे। पहले एपी का एनवा पद हम लोग देख लेंगे, है ना। तो लिखेंगे प्रश्न से, आप दोनों एपी को इक्वल कर देंगे, दोनों एपी को इक्वल कर देंगे। देखिए दोनों बराबर बोल रहा है ना, तो लिख देंगे पहले एपी का एनवा पद बराबर दूसरे एपी का एनवा पद, बराबर इक्वल करके बना देंगे। लिख देंगे यहाँ पे, लिख रहे हैं पहले एपी का एनवा पद बराबर हो जाएगा दूसरे एपी का एनवा पद, है ना। एनवा पद, पहले एपी का एनवा पद क्या हो जाएगा हम लोग का, पहले एपी का एनवा पद हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके लिए भी क्या जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें ए का पद हमारा देखिए, पहला पद के लिए ए कितना है हम लोग का, तो ए है हम लोग का 63, प्लस एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान हम लोग को दिया ही नहीं है, एन निकालना है। और डी का मान कितना दिया है, दो लिख देंगे। दूसरे एपी के लिए क्या है, तो ए का मान हम लोग का 3 दिया है, एन का मान नहीं दिया है, और डी का मान कितना दिया है, तो 7। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको देखिए 63 प्लस 2 में एन से गुना करेंगे तो 2n माइनस का 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस का 7। अब समझिएगा यहाँ पे, इसको में से इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 61 प्लस 2n बराबर, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 7n। अब n को एक जगह लाते हैं और इसको, तो n को यहाँ पे ले जाएंगे तो 2n, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 7n हो जाएगा, और ये माइनस का 4 इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 61 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5n बराबर, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो माइनस का माइनस कट जाएगा। अब n बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, 65/5, यानी 13/65, यानी n बराबर कितना हो गया, 13। n बराबर 13, यानी 13वां पद जो है इस एपी का दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। कौन सा पद, तो हम लोग का 13वां पद दोनों एपी का जो है हम लोग का बराबर हो जाएगा। तो इक्वल कर दिया दोनों को, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि दिए गए एपी के 13वां पद आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए एपी के 13वां पद जो है, 13वां पद आपस में समान होंगे, ठीक है। आपस में क्या होंगे, समान होंगे, समझ में आ रहा है। तो देखिए हर एक चीज़ को हम लोग कितना सिंपल वे में समझ गए हैं इसमें भी, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बन गया। अब हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। अब देखिएगा दोस्तों, हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एपी 3, 8, 13 और .273 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से हम लोग को 20वां पद, यानी इधर से हम लोग को ज्ञात करना है कि 20वां पद हम लोग का क्या हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल में इसको भी हम लोग बना देंगे, है ना। इसको भी हम लोग क्या बना देंगे, इसको भी एकदम हम लोग सिंपल वे में बना सकते हैं। कैसे, तो आइए हम लोग देख 15 नंबर देखे थे ना, 16 नंबर पर देख लेते हैं, उसके बाद 17 नंबर। कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 13वां पद तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है ना, तीसरा पद 16 है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं हम लोग पहले। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि एपी का पहला पद बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, ए है, ठीक है। और सर्वांतर भी हम लोग मानते थे ना, सर्वांतर हम लोग डी मानते थे, तो डी मान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सूत्र से चलेंगे, सूत्र थोड़ा सा लिख देंगे यहाँ पे, है ना। सूत्र लिखेंगे ना तो इससे होगा क्या कि एग्जामिनर समझ जाएंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शिक्षक जो है देखेंगे, एग्जामिनर तो देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ मतलब लड़का थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ा लिखा है। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर, इसको ए एन लिख देंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी नहीं होता है, यही फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। अब कह रहा है तीसरा पद जो है हम लोग का 16 बोला है ना प्रश्न से, तीसरा पद बोला है 16, तो तीसरा पद यानी 13वां पद, वा का मतलब आ रहा है, वा रहा है ना, तो एन प्लस 13वां पद यानी एन का मान दे रहा है, तीसरा पद जो है हम लोग कितना है 16 है, तो लिख देंगे। और ए प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2d बराबर 16, यानी समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर एक। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुनः बोला है, देखिए समझिएगा, यहाँ पे हम लोग को बोला है पुनः कि हम लोग का 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद यानी वा, 7वां पद 5वें पद से क्या है, 12 अधिक है, है ना। तो सिंपली हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको, 7वां पद 12 पद से अधिक है, तो इसको लिख देंगे। अब n का मान हम लोग का 7 आ गया, तो लिखेंगे a
प्लस एन, माना एन बराबर कितना 7 माइनस का 1 इंटू डी बराबर डी रहने देंगे, इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, फिर माइनस, फिर इसको ए प्लस 5 माइनस एन 1 इंटू डी इसको ब्रैकेट में घेर देंगे और 12 लिख देंगे। यानी पांचवा पद में से हम लोग सातवां पद में से पांचवा पद को घटा दिए तो कितना रहे 12 रहे, तो 12 लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब समझिएगा इसको, इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6D है ना, माइनस ए प्लस 4D बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 12। अब ब्रैकेट हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ए प्लस का 6D प्लस माइनस, माइनस का ए प्लस माइनस, माइनस का 4D बराबर कितना हो जाएगा 12। अब समझिएगा ए से ए प्लस का है माइनस का है, कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब घटाएंगे 6D में से 4D चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2D बराबर कितना हो जाएगा 12। यानी D बराबर 12 बटा कितना हो जाएगा 2 6 12। यानी D का मान हम लोग का कितना आ गया 6। D का मान कितना आ गया 6। अब D का मान जब हम लोग का 6 आ गया, D का मान हम लोग का कितना आ गया 6 आ गया। अब हम लोग समीकरण 1 में D का मान रख देंगे, समीकरण 1 में जो हम लोग का है ना, यहाँ पे समीकरण 1 में D का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D बराबर 6 रखने पर, है ना, 6 रखने पर, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं तो A प्लस 2D बराबर कितना है 16, है ना। तो A समझिएगा A प्लस 2D प्लस 2D का मान हम लोग कितना रखेंगे 6 रखेंगे, अब बराबर कितना हो जाएगा 16। यानी A प्लस 6 दूना 12 बराबर कितना हो जाएगा 16। यानी A बराबर 16 में से कितना घटा देंगे 12। यानी A बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 4। यानी A का मान कितना आ गया हम लोग का 4 आ गया। अब A का मान हम लोग का 4 आ गया तो हम लोग को पूछा क्या है, तो हम लोग को पूछा है कि इसके इसका क्या पूछा है हम लोग का, कि इसका हम लोग को AP ज्ञात करना है, AP का मान। तो D का मान आ ही गया, A का मान आ ही गया, अब हम लोग AP निकाल देंगे, AP नहीं निकल जाएगा हम लोग से। अब आसानी से हम लोग, यानी देखिए पहला पद हम लोग का दे दिया है, AP बराबर लिख देंगे, AP बराबर A का मान तो हम लोग को आ ही गया है 4 है, और D का मान कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 दिया है। यानी पहला पद यानी A1 बराबर हम लोग का 4 आ गया। A2 बराबर निकालेंगे, अगर D का मान A2 बराबर निकालेंगे तो A1 प्लस का क्या होता है D, यानी A1 का मान कितना आ गया 4 प्लस D का मान 6, यानी 6 4 10 हो गया। दूसर का पद 6, दूसर का पद 10, पहला पद 4, दूसर का पद 10, तीसरा पद A3 भी हम लोग का हो जाएगा A2 प्लस का D, A2 का मान कितना है 10 प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा 16। फिर हम लोग लिखेंगे A4 का मान, यानी चौथा पद का मान, यानी A3 प्लस का D, यानी A3 कितना है तो 16 प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 बराबर 22, है ना, 22। उसके बाद फिर हम लोग का A5 का मान कितना हो जाएगा, तो A4 प्लस का D, यानी A4 का मान कितना है 22 प्लस D का मान 6, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 28। यानी AP जो हम लोग का हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा 4 4 10 16, है ना, 16 22 22, और उसके बाद कितना हो जाएगा 28। देखिए ये AP में है ना, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएगा, है ना, 22 28, इस तरह हम लोग का AP बढ़ते जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो जा रहा है ना, ये क्वेश्चन लेंदी हो जा रहा है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए बढ़िया से, और इसको आप लोग इसको बना लीजिएगा। देख रहे हैं ना कितना सिंपल में हम बनाने का पूरा प्रयास किए हैं, कि आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन को दिक्कत नहीं होगा बनाने में, और आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फिर हम लोग का, अब हम लोग का कितना नंबर क्वेश्चन, अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखना है, ये देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AP 3 8 और 13 के 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी अंतिम पद से कह रहा है ना, इधर से कह रहा है, तो ये हम लोग का पहला पद हो जाएगा, ए इसको हम लोग पहला पद मानेंगे, ए मानेंगे इसको हम लोग, ठीक है। और डी हम लोग इसमें से घटा देंगे तो डी हो जाएगा, और डी के मान हम लोग को 20वां पद निकालना है तो आसानी से हम लोग 20वां पद निकालेंगे, ठीक है। अंतिम से बोला है तो इसलिए ए हमने पहला पद हम लोग इसको मानेंगे 253 को, ठीक है। आइए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि इस AP में उल्टे क्रम को लेकर चलने पर, है ना, लिखेंगे हम लोग कितना नंबर है हम लोग का 17 नंबर ना, 17 नंबर लिखेंगे इस AP में उल्टे, है ना, उल्टे क्रम को लेकर चलने पर, उल्टे क्रम को लेकर चलने पर A1 यानी पहला पद कितना हो जाएगा हम लोग का 253 हो जाएगा, ठीक है, 253 हो जाएगा। उसके बाद D का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, तो देखिए D का मान हम लोग को A2 में से A1 को घटाना है, मतलब उल्टा घटाते हैं, तो इसमें हम लोग कितना करेंगे, D में से हम लोग क्या करेंगे 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। N का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, N का मान 20 को बोला है 20वां पद, तो 20वां पद यानी हम लोग को
बीसवा पद निकलना है यानी ए एन ट्वेंटी निकलना है वाट। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ए एन, ए एन का मान हम लोग को बीसवा पद निकालना है, अब एक ए एन ए का मान हम लोग को कितना है दिया है 253, तो 253 लिख देंगे, 253 प्लस बीसवा पद तो 20 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान माइनस का 5 दिया है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 253 प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 इंटू माइनस का 5। अब यहाँ पर 253 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 19 पचे 95। अब 253 इसमें से घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना 8 5 3 8 5 1 यानी 168 जो है 158 सॉरी 158 जो है हम लोग का आ जाएगा 158 तो लिखेंगे हम लोग। अब एपी का अंतिम पद जो है अंतिम पद से बीसवा पद 158 होगा। ठीक है 158 होगा तो 158 हम लोग का अंतिम से बीसवा पद कितना हो गया 158 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अंतिम से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर 18 नंबर क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों। कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग जो है हम लोग का 24 दिया है तथा छठे और दसवें पदों का योग 44 दिया है, तो इस एपी का प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौथे और आठवें पदों का योग, चौथे और आठवें पदों का योग कितना दिया है हम लोग का 24, और फिर कह रहा है छठे और दसवें पदों का योग दिया है 44। एकदम सिंपल वे में हम लोग इसको भी समझते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, कितना नंबर है 18 नंबर लिखेंगे हम लोग कि माना एपी का पहला पद जो है हम लोग का माना एपी का पहला पद बराबर ए है। ठीक है, और दूसरा पद हम लोग क्या मान लेंगे, दूसरा पद ऐसे देखिए ऐसे बनाएंगे ना दोस्तों, तो ऐसे हम लोग बनाएंगे तो हर एक चीज़ एकदम सिंपल वे में टीचर भी समझेंगे कि दूसरा पद नहीं सर्वांतर हम लोग मानेंगे यहाँ पे सर्वांतर डी, टीचर भी समझेंगे कि हाँ लड़का जो है थोड़ा सा मेहनत किया है ना, सर्वांतर जो है हम लोग का कितना है डी मान लेंगे। ठीक है सर्वांतर डी। अब देखिए कह रहा है हम लोग को चौथा पद, देखिए इस तरह बनाने से सिंपल हो जाएगा, चौथा पद और आठवें पद का योग जो है हम लोग का कितना है 24 दिया है, इसको लिखेंगे एकदम इंपॉर्टेंट है इसको लिखेंगे। अब और सिंप्लीफाई हो गया हम लोग का, ठीक है प्रश्न से हम लोग चलेंगे, अब ये और हम लोग का क्या हो गया सिंप्लीफाई हो गया प्रश्न से कि चौथा पद और आठवें पदों का योग कितना है हम लोग का 24 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग चौबीस पद। देखिए यहाँ पे तो इसको फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए प्लस एन यानी चौथा पद नीचे वाला जो रहता है ना उसको एन मानते हैं, एन माइनस वन इंटू डी प्लस है ना प्लस इसको हम लोग ब्रैकेट कर लेते हैं, ब्रैकेट कर लेंगे। ठीक है प्लस अब फिर इसको हम लोग करेंगे तो ए प्लस एन बराबर आठ माइनस का वन इंटू डी, इसको भी ब्रैकेट बराबर कितना है 24 है तो 24 लिख देंगे। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, ठीक है सॉल्व करेंगे तो ए प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3D प्लस ए यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा 24। अब देखिए यहाँ पे एक एक कितना हो जाएगा 2A प्लस 7 3 10D बराबर कितना हो जाएगा 24 बराबर 24। अब यहाँ पे क्या करेंगे दो कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 24 यानी A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा, दो से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा दो से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 यानी A प्लस 5D बराबर कितना आ गया 12। इसको हम लोग ये इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि छठा और दसवें पद का योग कितना है 44 है, फिर यहाँ पे करेंगे छठा पद यानी ए छठा पद ए प्लस छठा पद और दसवां पदों का योग कितना है हम लोग का 44 है तो 44 लिख देंगे है ना। और फिर यहाँ पे भी पुनः लिख देंगे, पुनः प्रश्न से पुनः लिखे ऐसे रख देंगे। अब इतना आगे पुनः इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको पुनः हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा ए प्लस एन छः माइनस ए इंटू डी है ना, आप प्लस कर देंगे फिर हम लोग क्या करेंगे ए प्लस 10 में से फिर एक घटा देंगे इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 24 कितना है 44 है ना 44 लिख देंगे 44 है 44 लिख देंगे। ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे फिर तो ए प्लस कितना हो जाएगा 5D प्लस ए प्लस 9D बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2A प्लस 9 5 कितना हो जाएगा 14D बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 44 यानी इसमें कॉमन लेंगे फिर तो ए प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा 44 यानी ए प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 22 इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लेंगे।
अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। तो समीकरण एक, समीकरण एक और दो से लिख देंगे, समीकरण एक और दो, दो से, ठीक है। अब सिंपली हम इसको लिखेंगे, है ना, ए वाला, तो ए प्लस कितना है 5d बराबर कितना है हम लोग का 12, समीकरण नंबर एक यहाँ पे हम लोग का, समीकरण दो नंबर इतना है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 22, है ना, 22। अब ये माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2d बराबर माइनस का 10, माइनस माइनस खत्म, यानी d बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 5, d बराबर कितना हो जाएगा 5, ये 2 + 10 5 आ गया, d का मान हम लोग का 5 आ गया। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, समीकरण एक में या दो में रख के हम लोग मान निकालेंगे इसका। तो समीकरण दो में ही रख देते हैं, क्या दिक्कत है, समीकरण दो में ही रख देते हैं, चाहे समीकरण एक में ही रखिएगा। तो लिख देंगे समीकरण एक में, एक में डी बराबर 5 रखने पर, रखने पर समीकरण एक में, है ना, समीकरण एक हम लोग का ये हो गया, तो समीकरण एक हम लोग यहाँ पे रख देंगे क्या, तो ए प्लस 5d बराबर 12, ए प्लस 5d बराबर 12। तो यहाँ पे ए प्लस 5d का मान कितना लिखेंगे, 5, दो मिनट, 5d का मान हम लोग का 5 आया है ना, 2 × 10, हाँ d का मान हम लोग का 5 आया है, तो माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 12, है ना। तो अब देखिए ए बराबर 12, यहाँ पे 5 × 25 इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 13, माइनस का 13, यानी ए का मान फिर हम लोग का माइनस का 13 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो अब हम लोग को निकालना है ए पी का तीन वो पद निकालना है, ठीक है, ए पी का तीन वो पद। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि पहला ए का मान हम लोग का कितना दिया है, तो ए का मान हम लोग का आ गया माइनस का 13, और डी का मान कितना आ गया 5, डी का मान 5। अब हम लोग को निकालना है पहला पद, तो ए वन बराबर पहला पद हम लोग का माइनस का 13, तो दूसरा पद ए टू बराबर कितना हो जाएगा ए वन प्लस का डी, ए वन का मान कितना है, तो ए वन का मान माइनस का 13 और इसका प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर हम लोग का 8, माइनस का 8, ठीक है। फिर ए थ्री निकालेंगे, ए थ्री निकालेंगे तो यहाँ पर ए थ्री बराबर ए टू, ए टू प्लस डी बराबर 5, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो हम लोग को तीन को पद निकालना है, तो लिखेंगे अतः ए पी का प्रथम तीन पद, अतः पी का प्रथम तीन पद बराबर, अब देखिएगा इसका हो जाएगा माइनस का 13, इसका हो जाएगा माइनस का 8 और इसका हो जाएगा माइनस का 3, यही तीन को पद हम लोग का हो गया। कितना सिंपल हो गया, है ना। तो हम लोग हर एक चीज़ को, इसको एक बार आप लोगों को समराइज करा देते हैं, देखिएगा कुछ नहीं किया है, एकदम सिंपल है। ए पी का पहला पद इतना दे दिया, सर्वांतर डी हम लोग मान लिए हैं। उसके बाद कह रहा है कि चौथा और आठवें पदों का योग 24 है, 24 कर दिए हैं। ये वाला जो होता है एन होता है, ये वाला हमेशा एन होता है, देखते नहीं हम लोग का ए एन बराबर होता है फॉर्मूला, तो ये एन होता है, है ना। तो ये एन है, तो एन का मान हम लोग 4 रख दिए हैं, घटा दिए हैं, यहाँ पर भी डी का एन बराबर 8 रख दिए हैं, घटा दिए हैं, और इसको देखिए घटा दिए हैं तो डी, इसको घटाएं तो 7 डी हो गया है, इसको 24 और इसको सॉल्व कर दिए तो डी यहाँ पर समीकरण नंबर एक आ गया। इसको फिर हम लोग ऐसे ही सॉल्व किए हैं तो समीकरण नंबर दो हो गया। अब इसी से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे यहाँ तक हम लोग ए और डी का मान निकाल के और इसको फिर सॉल्व कर दिए, इतना ही आंसर आ गया हम लोग का। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग, है ना, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब समझिएगा दोस्तों हम लोग का, अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का वेतन वृद्धि प्राप्त करता है, किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 5000 से शुरू किया है 1995 में और प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष बढ़ रहा है, प्रत्येक वर्ष में 200 रुपया बढ़ रहा है, तो किस वर्ष में जो है उसका वेतन जो है 7000 रुपया हो जाएगा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। आइए हम लोग देखते हैं इसको, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग का क्या किया है, किस वर्ष यानी एन वर्ष में उसका जो वेतन जो है कितना हो जाएगा, 7000 रुपया हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग ए बराबर मान लेंगे कि ए बराबर हम लोग का मतलब शुरुआत में उसका कितना रुपया था, यानी पहला पद 5000 रुपया था, पहला पद 5000 रुपया था। फिर क्या हुआ कि उसका डी यानी हर एक साल 2 वर्ष बढ़ रहा है, यानी 2 वर्ष हर एक 200 रुपया हर एक वर्ष बढ़ रहा है, यानी 200 रुपया हर एक वर्ष बढ़ रहा है, यानी डी का मान हम लोग का हो गया। उसके बाद एन यानी 7000 रुपया हो जा रहा है, लास्ट में कितना रुपया, 7000 रुपया हो जा रहा है, कितना वर्षों के बाद, यानी एन वर्षों के बाद मान लेंगे हम लोग, एन वर्षों के बाद जो है हम लोग का 7000 रुपया हो जा रहा है। तो अब एन का मान निकाल देना है, हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े हैं, यहीं पे लिख देते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी। एन का मान कितना हो जाएगा 7000 रुपया प्लस ए पहला पद कितना है 5000 रुपया। एन का मान नहीं पता है,
डी का मान कितना है, तो 2000 रुपया, 2000 रुपया। अब इसको सॉल्व करेंगे, समझिएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, प्लस छोड़ दिए हैं प्लस, यहाँ पे 7000 रुपया ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे एन बराबर एन माइनस का वन इंटू डी बराबर कितना है 2000, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2000 रुपया, 200 रुपया है, 2000 रुपया बराबर एन माइनस का वन इंटू 2000 रुपया है, तो 200 रुपया है, तो 200 रुपया इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, 20 से 20 दो दुना दो दस, दस हो जाएगा, यानी n इक्वल टू एन माइनस वन, दस इक्वल टू एन माइनस वन, दस एक को इधर खींच के लाएंगे तो 10 + 1 बराबर n, यानी 11 इक्वल टू n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 11 साल, यानी 11 साल के बाद जो है उसका 5000 से 7000 रुपये होगा 11 साल के बाद। सोचिए 11 साल में कितना बढ़ोतरी कर जाएगा, सोच रहे हैं 11 साल में, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, लिख देंगे यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना सब क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोगों को, कहीं भी दिक्कत होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई भी अगर वीडियो में क्वालिटी में दिक्कत हो या कोई भी चीज़ में दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आप लोग थोड़ा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं दोस्तों कि अच्छा रंग लाएँ, हम लोग भी मेहनत करके और आप लोग के लिए और प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि इतना बेटर से बेटर लाएँ हर एक चीज़ को कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे अतः सुब्बा राव थे ना, सुब्बा राव, तो लिख देंगे अतः सुब्बा राव, सुब्बा किस वर्ष में है ना, तो सुब्बा राव का 11 वर्ष में उनका वेतन जो है 7000 रुपया होगा, 7000 रुपया हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, यानी 11 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यानी 5 10, यानी 1995 से स्टार्ट किए हैं ना, 1995 से स्टार्ट काम किए हैं ना, 1995 से काम स्टार्ट किए हैं, तो यानी 10 105 106, यानी 2006 में जो है उनका है ना, 2006 में जो है उनका जो है रुपया जो है 7000 रुपया हो जाएगा, 7000 रुपया हो जाएगा 2006 में, 7000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको भी बनाएंगे एकदम सिंपल वे में, चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं दोस्तों कि रामकोली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात करना है, ठीक है, n ज्ञात करना है, 5 रुपये की बचत करती है और प्रत्येक सप्ताह में कितना बचा रही है, प्रत्येक सप्ताह में 1.75 रुपये बढ़ाती है तो उसके साप्ताहिक बचत इतना रुपये हो जाता है तो n ज्ञात करना है हम लोग को, चलिए देखते हैं। देखिए पहला पद हम लोग मान लेंगे an बराबर, पहला पद मान लेंगे कि 5 रुपया प्लस डी का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, हर एक साल बढ़ोतरी हो रहा है ना, तो डी का मान इतना रुपया हो जाएगा, डी का मान, ठीक है, और टोटल उसका रुपया जो हो जा रहा है हम लोग को 20.75 रुपया हो जा रहा है, तो हम लोग को एन का मान निकालना है, उसमें बोल भी दिया है कि एन का मान निकालिए, ठीक है, एन का मान निकालना है। अब एन को हम लोग एकदम सिंपल वे में इसको फाइंड करेंगे, देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मान लीजिए इसी फार्मूला को एन को इधर लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, तो ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर ए एन लिख देते हैं, थोड़ा अपने सॉल्यूशन के लिए अच्छा से बन जाएगा, सूत्र से लिख देंगे सूत्र से, ठीक है। अब देखिए a बराबर कितना दिया है 5 प्लस n बराबर कितना दिया है, तो n का मान ही नहीं दिया है, n माइनस वन इंटू डी का मान कितना दिया है तो 1.75 और a n का मान कितना दिया है तो 20.75 लिख देंगे, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे देखिए ये प्लस का है तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो n माइनस वन वन पॉइंट सात पाँच बराबर 20.75 में से 5 को घटा देंगे हम लोग है ना, 5 को घटा देंगे, यानी n माइनस वन यानी 1.75 बराबर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 15.75 ये गुणा में, तो इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा भाग में, यानी n माइनस वन इंटू 15.75 अब बटा में 1.75 पॉइंट हट जाएगा है ना, भाग करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा ये 9 बार में कट जाएगा हम लोग का 9 बार में, यानी n माइनस का 1 बराबर कितना है 9, यानी n बराबर 9 इसको उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा 10, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 10, n बराबर 10 हो जाएगा, तो 10वें सप्ताह में जो है उसकी बचत जो है कितने रुपये हो जाएगी 20.75 रुपये हो जाएगी,
20.75 रुपये। तो लिख देंगे यहाँ पे कि दसवें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपया हो जाएगी, है ना। तो एकदम हम लोग सिंपल वे में इस सब क्वेश्चंस को हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में हम लोग एकदम देखिए कितना सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे भी 19 नंबर भी बना लिए और 20 नंबर में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का 5.3 एकदम सिंपल वे में पूरा प्रयास किया गया है बनाने के लिए। बहुत सारा चैप्टर को हम लोग बना दिए हैं, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में ER अमृत स्टडी सेंटर में जाके देख सकते हैं। ER अमृत स्टडी सेंटर, है ना, स्टडी सेंटर पर इस चैनल पे जाके आप लोग बहुत सारा क्वेश्चंस को एकदम सिंपल वे में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सर्च मारिएगा ना, केवल ER अमृत सर भी सर्च मार दीजिएगा तो हम लोग का चैनल आ जाएगा। ER लेकिन लगा दीजिएगा, ER लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ER लगा दीजिएगा यानी इंजीनियर अमृत सर। तो बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एकदम सिंपल वे में बनाया गया है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी करिएगा, जिससे हम भी लोग मोटिवेट हो और आप लोग के लिए ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।